कैफ वन एफ आर वन लेक्चर नंबर 64 स्टार्ट करते हैं प्लीज। अच्छा सुने जी, आईएस 8 हमारा चल रहा है, ठीक है, लेकिन आज का पूरा लेक्चर आईएस 8 को देने की मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा इफेक्टिवली एक पूरा लेक्चर कैश फ्लो, नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं ना आज, उस पर लगाते हैं। एंड पे को 5-7 मिनट बच गए, तो थोड़ी सी थ्योरी मैं आज पढ़ा दूंगा, फिर क्योंकि बेसिक काम आज हमने कैश फ्लो का कर लेना है, यानी कि काबू कर लेना है सवाल को। अब अगले 10-12 दिन इसी तरतीब पे सवाल होगा जो आज होगा, तो फिर जाहिर सी बात है अगले दिन में पूरा 1.5 घंटा सवाल नहीं करना पड़ेगा हमें, तो 1 घंटा 10 मिनट के अंदर सवाल नॉर्मली हो जाया करेगा, 15 मिनट में को हो जाया करेगा, ठीक है। तो हर अगले 2-3 दिन के अंदर हम 15 से 20 मिनट आईएस 8 को देख के साथ साथ करते रहेंगे, क्योंकि अब वो बोर करने लग गया था हमें वैसे भी। तो आज का पूरा लेक्चर मैं आईएस 8 को नहीं दे रहा, बल्कि आज आईएस 8 को एक तरह से पेंडिंग कर रहा हूं, ठीक है। रहता क्या है, सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एक बार पढ़ाने हैं आपको और एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं, बाकी टेस्ट में आज आईएस 8 का सवाल है वो इंशाल्लाह आप कर लेंगे, और जो छोटी मोटी पेंडेंसीज हैं वो करते चले जाएंगे, अगर कोई रह गई तो वो तो पेंडिंग कॉन्सेप्ट वाला सफा है ही आखिर क्लास के लिए, ठीक है, तो उसमें कर लेंगे। बहरहाल आज कैश फ्लो का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज बहुत सारी बातें आपको नहीं समझा सकूंगा इसमें, क्योंकि आपको पता ही है कोई भी टॉपिक जब शुरू किया जाता है तो पहले ही दिन सारी लॉजिक्स उसमें नहीं बता दी जाती। रिवैल्यूएशन के दिन पहला दिन जो था, रिवैल्यूएशन की इतनी सी बातों का पता लगा था, फिर हर आने वाला दिन चीजें बढ़ती चली गई। तो आज तो बेसिकली मैं आपको सवाल को काबू करना सिखाऊंगा, सवाल को टैकल करना सिखाऊंगा, सवाल के फॉर्मेट के ऊपर ज्यादा जोर होगा कि हमने सवाल को कैसे करना है, फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है। आज एक बार ये काबू कर लेंगे, बहुत सी चीजें ऐसी कि मैं कहूंगा यार कर लो फिलहाल इनको, ऐसे ही कर लो, इनकी लॉजिक्स आएंगी, कोई लॉजिक अगले दिन कल आएगी, कोई परसों, ऐसे हर रोज एक छोटी छोटी लॉजिक कोई ना कोई बीच में जो लॉजिक्स हैं, पर्चा तो पास हो जाता है बगैर लॉजिक के भी, लेकिन बहरहाल आप लोगों को दिमाग के अंदर मसला रहता ही है अगर लॉजिक ना बताई जाए, तो लॉजिक्स भी इंशाल्लाह आएंगी, सारी की सारी आएंगी, लेकिन सारी आज नहीं हो सकेंगी, जितनी बात आज कर दूं वो समझ में आए तो ठीक है, और जिसपे कहूं कि अभी रोक दो इसको, बस ऐसे कर लो जैसे कह रहा हूं, तो आपने कर लेना, ठीक है। सवाल भी मैं देखूंगा, शायद एक आधा सवाल इससे भी आसान होमवर्क में हो, वरना ये तो होमवर्क में होगा ही होगा। तो कैश फ्लो का सवाल शुरू करते हैं, कैश फ्लो का टॉपिक शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर बात करें तो जो सेल से शुरू हुआ करता था और चलते चलते हमारा प्रॉफिट तक आता है, तो मुझे बताएं क्या ये प्रॉफिट की फिगर कैश की फिगर होती है, ये जरा मुझे बता दें, जरूरत तो बता गया ना, कैश फ्लो बना क्यों रहे हैं, क्या ये प्रॉफिट की फिगर कैश की फिगर होती है, बोले क्या आपको मिसाल के तौर पे प्रॉफिट आ रहा है 50 रुपए, तो आप क्या कहेंगे कि ये 50 रुपए आपके पास पड़े हैं, बोलो, हम कैश बेसिस पे तो अकाउंटिंग ही नहीं कर रहे होते भाई। बहुत सारी सेल्स एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्डेड होती है, उधार सेल, डेटर डेबिट सेल, क्रेडिट, तो सेल के अंदर तो क्रेडिट सेल भी पड़ी है, फिर परचेजेस के अंदर क्रेडिट परचेज भी पड़ी है, फिर एक्सपेंसेस के अंदर बहुत सारे एक्रूवल्स पड़े हैं, पे नहीं किया अभी, एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ पड़ा है, इनकम्स के अंदर बहुत सारी एक्रूवल्स पड़ी हुई हैं, यानी कि अभी रिसीव नहीं की इनकम, तो रिसीवेबल भी हो सकती है, इनकम तो रिकॉर्ड हो गई। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा एक्रूवल बेसिस के ऊपर बनता है। आपने इंट्रो के अंदर पढ़ा था कि दो बेसिक पिलर्स हैं, एक गोइंग कंसर्न अजम्पशन और दूसरा एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिनके ऊपर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बुनियाद पड़ी होती है, जिसके ऊपर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खड़ी होती हैं, ये दो पिलर्स के ऊपर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो हमारा एक्रूवल बेसिस पे बना होता है, तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कैश रिसीव नहीं हुआ लेकिन इनकम है, एक्सपेंस पे नहीं हुआ अभी लेकिन रिकॉर्डेड है एक्सपेंस के तौर पर, तो प्रॉफिट की फिगर के अंदर तक आते आते बहुत सारी accrued incomes added हैं, बहुत सारे accrued expenses less हुए हैं, तो ये profit की figure cash तो नहीं है, ना ही हम sale को यूं कह सकते हैं sale की figure को ये cash हमें आ गया है, ना ही हम expenses को कह सकते हैं कि ये cash चला गया है, क्योंकि सारे के सारे cash basis पे recorded ही नहीं होते, ये बात समझ रहे हो। तो फिर यूजर को एक ऐसी स्टेटमेंट की जरूरत पड़ी जिसमें वो ये देख सके कि कितना कैश आया इस पीरियड में, कितना कैश गया, कितना कैश इस वक्त पड़ा है, ठीक है ना। तो कैश की मूवमेंट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बताता, ये बात समझ आती है, और बोलो
तो कैश की मूवमेंट नहीं बनाता, तो फिर एक स्टेटमेंट हमें चाहिए जिसका नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज. ठीक है, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेट है ना, जो जिसके पांच कंपोनेंट्स हैं उनका एक कंपोनेंट है. पांच कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और फिर आज चौथी चीज पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, और पांचवी चीज है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर हमने थोड़े से नोट्स बनाए हैं. फुल फ्लेज फाइनल अकाउंट्स वाले नोट्स जाकर आप बनाएंगे, जो कंपनी की अकाउंटिंग के अंदर आप प्रैक्टिकली भी जाकर बना रहे होंगे एफआर टू के अंदर, ठीक है ना. फिलहाल तो आपने कुछ एक नोट हमने बनाए हैं, पीपीई का नोट बना लिया था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बना लिया था, आईएस 23 का डिस्क्लोजर देना सीख लिया था, उसके बाद आईएस 8 का नोट हमने बनाने सीखे हैं, ठीक है ना. तो ये पांच कंपोनेंट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पूरे सेट में, जिसमें एक क्या है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस, ठीक है. अच्छा, अब ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस है ना जी, इसके अंदर तीन सेक्शंस हैं, ठीक है, यानी के पूरे बिजनेस को अकाउंटेंट्स ने तीन ब्रॉड कैटेगरीज में बांट दिया. अकाउंटेंट्स ये कहते हैं कि बिजनेस में या तो पैसा कहीं से अरेंज किया जाता है, फाइनेंस किया जाता है. क्या मतलब? फाइनेंस अरेंज करने के दो ही रास्ते हैं जी, देखा जाए तो ब्रॉडली दो ही रास्ते हैं. एक, आप ओनर से कहें घर से पैसा ले आए, दूसरा आप किसी से जाके उधार मांग लें, बैंक से लोन ले लें. तो फाइनेंस बिजनेस को करना मतलब बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा रिक्वायर्ड है उसको कहां कहां से फाइनेंस कर सकता है बिजनेस, या तो ओनर से कैपिटल मांग सकता है या बैंकों से लोन मांग सकता है. तो एक एक्टिविटी जो बिजनेस के अंदर हुआ करती है वो क्या होती है जी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी. क्या होती है जी फाइनेंसिंग एक्टिविटी? का मतलब क्या है जी? कि आपने बिजनेस को जो फाइनेंस किया वो कहां कहां से किया हो. तो मैंने कहा मेनली दो ही चीजें होती हैं, ओनर घर से पैसा ले आए, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम भी उसी को ही कहते हैं. शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम क्या है? और 10 वाला शेयर 15 बेचा था ना, तो शेयर कैपिटल में 10 पड़ा होता है, 5 शेयर प्रीमियम पड़ा होता है. घर से ही लाया सारा का सारा, 15 यूजर ही लाए हैं ये, ठीक है ना, सही है. भारत बात और तरफ निकल रही, वो सवाल के अंदर देख लेंगे, फिलहाल तो बड़ा बेसिक सा सवाल होना है. तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है? बिजनेस को चलने के लिए जो कैश चाहिए था वो कहां कहां से अरेंज होता है? ओनर घर से लाते हैं, बैंकों से लोन ले लिया जाता है, ओनर्स को डिविडेंड पे किया जाता है, बैंकों को इंटरेस्ट पे किया जाता है. तो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी होती है जो बिजनेस कर रहा होता है. फाइनेंस कर रहा है बिजनेस अपने आप को चलाने के लिए कहां कहां से. तो जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होंगी वो इस सेक्शन के अंदर लिख देंगे. कोई कैपिटल आ रहा है, कोई लोन आ रहा है, लोन रीपे हो रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है. अच्छा, फिर ये जो पैसा आता है, जो पैसा बिजनेस ने मतलब कहीं से इकट्ठा किया, ओनर से इकट्ठा किया, बैंकों से इकट्ठा किया, अब ये कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, कैश इकट्ठा हो गया बिजनेस के पास, कैश दराज में भर गया. अब बिजनेस ने इस कैश को इस्तेमाल करना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करेगा, इन्वेस्ट करेगा इन पैसों को, इन्वेस्टमेंट करेगा. इन्वेस्टमेंट नहीं होती है. क्या मतलब? फिक्स एसेट खरीदेगा बिजनेस, प्लांट खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, पहले लैंड खरीदा, फिर बिल्डिंग बनाई, फिर प्लांट लगाया और चालू कर दिया. तो जो पैसे आए थे उन्हें क्या किया? इन्वेस्ट किया. इन्वेस्टमेंट नॉर्मली ट्रेडिंग बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इन्वेस्टमेंट किस में करते हैं? जो पैसा ओनर से आता है उसकी फैक्ट्री लगाते हैं, चीजें बनाते हैं और फिर चीजें बेच रहे होते हैं, ठीक है. तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो आपने फिक्स एसेट खरीदे या बेचे, नॉन करंट एसेट्स जो खरीदते हैं और बेचते हैं, उस एक्टिविटी को, इस बिजनेस की एक्टिविटी को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहा जाता है, ठीक है. पैसा लिया कहीं से भी, इकट्ठा किया, उसकी इन्वेस्टमेंट की, और फिर इन्वेस्टमेंट यानी फिक्स एसेट खरीद के अब स्टार्ट होते हैं ऑपरेशंस. क्या स्टार्ट होते हैं जी? ऑपरेशंस. ऑपरेशंस में क्या होगा? रॉ मटेरियल खरीदेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, फिनिश गुड बनेगी, उसको बेचेंगे, बिल पे करेंगे, मजदूरों को तनख्वाहें देंगे, ये सब क्या है? ऑपरेशंस. तो ये छोटी छोटी दो एक्टिविटीज है. क्या मतलब? ये थोड़ी थोड़ी चीजें हुआ करेंगी. क्या मतलब? कहीं से पैसा अरेंज किया ओनर से या लोन लेके, इकट्ठा हुआ तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की. क्या किया जी? कोई फिक्स एसेट खरीदा, प्लांट खरीद लिया जी, मशीनरी खरीद ली जी, व्हीकल खरीद लिया जी, कुछ बेच भी दिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाएंगे. और फिर बाकी सारी एक्टिविटीज जो बिजनेस की ऑपरेशंस की एक्टिविटीज है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कॉलम में आया करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के सेक्शन में आया करेंगे, ठीक है जी. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो जो ऑपरेशंस से रिलेटेड कैश फ्लोज होंगे,
वो इस एक्टिविटी में आएंगे। तो इस हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर तीन सेक्शन बना करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के सेक्शन के अंदर ऑपरेशंस से रिलेटेड सारे कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज आएंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के सेक्शन के अंदर जो फिक्स एसेट खरीदे या बेचे उनके कैश फ्लोज फोकस कैश फ्लोज पे होगा, उनके कैश फ्लोज हमारे सामने यहाँ इस सेक्शन में आएंगे। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो ओनर से पैसा आया या बैंकों से पैसा आया या बैंकों को लोन वापस किया, ये एक्टिविटीज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के सेक्शन के अंदर आएंगी। ठीक है, तो ये तीन सेक्शन होंगे हमारे। सवाल कैसे करना है ये आज देखना है हमने। तो सवाल का नाम है जुनेद जंजुआ। ठीक है जी, पास पेपर का सवाल है, किताबें आपको मिलेंगी इंशाल्लाह, तो ये सवाल भी होगा। तो ये किताब से ही सवाल लिया हुआ है, तो आपको फिलहाल मैं हैंड आउट में दे दूंगा। होपफुली आजकल में आ जाएगी बुक पे से, प्रिंटिंग के लिए तो गई हुई 4-5 दिन से। तो जुनेद जंजुआ बिजनेस का नाम लिखा हमने, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट क्या बना रहे हो, जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आप बोलते थे, ऐसे ही है स्टेटमेंट ऑफ कैश। नाम लिखो, नंबर होते हैं इसके, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। और ये फॉर द पीरियड बनती है, तो पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट क्या थी। मैंने तो ऐसे डायरेक्ट शुरू कर दिया काम। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। ठीक है जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट किस साल की बनानी है जी, जो साल एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2010 पे। चलो जी, ये सही है। बैलेंस शीट एक बार नजर आ जाए, इनकम स्टेटमेंट बाद में, ठीक है। हाँ भाई, कोई मसला है यहां तक? फॉर द ईयर तो लिखाओ, मसला तो है ना। फॉर द ईयर एंडेड, तो पहले दिन आपको पता है मैं सारी चीजें पूरी पूरी लिख देता होता हूँ, बाद में मैंने तो एब्रीवेशन यूज करने। 31 दिसंबर 2010, ठीक है। साथ साथ नोट करने वालों रुक जाओ जरा, मेरा मशवरा है, नोट तो तस्वीर से भी कर लोगे आप। मैंने अब अगले एक घंटे 10-15 मिनट सिर्फ सवाल करना है, सुकून सुकून से करना है। और नई चीज कोई नहीं ज्यादा होनी, छोटी मोटी चीजें आज सिखानी है, कुछ कुछ एक गुजारा कर लेना, वो फिर कल सीखेंगे परसों। हर रोज हमने कैश फ्लो का सवाल ही करना है, जैसे ये मैं पहला सवाल करवा रहा हूं। तो ये काम एक बार नहीं करना, ये हमने हर बार ही ऐसे करना है। तो ये हर रोज ही ये काम रिपीट होगा, जो पहले दिन कर रहे हैं वो तो लाजमी रिपीट होता रहता है, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा जी तीन एक्टिविटीज होंगी, एक सेक्शन होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, मैं तो इसके लिए पहला सेक्शन अलग कर दिया करूंगा ऐसे, आप पूरा सफा फिलहाल छोड़ दें तो भी अच्छी बात है, ना छोड़ें तो कम से कम 15-20 लाइनें छोड़ देनी है आपने इस एक्टिविटी के लिए, ठीक है। अगली हेडिंग बनेगी इन्वेस्टिंग एक्ट, ओहो ये ऑपरेटिंग था, सबसे पहले ऑपरेशंस, यहां पे सबसे ज्यादा काम इसी में हुआ करेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जगह इसी के लिए छोड़ा करेंगे, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आया करेंगी। मेरा फेवरेट टॉपिक है ये वैसे, यानी कि ये बहुत आसान लगता है मुझे। एफआर वन में कुछ मुश्किल लगा है अभी तक? वैसे है ही नहीं कुछ मुश्किल यार, वैसे यार आप लोग बस खुद रोज पढ़ लें ये मुश्किल है, होमवर्क रोज का काम रोज करें मुश्किल है, हर हफ्ते टेस्ट दें और मेहनत करके तैयारी करके और पास होने की नीयत से जितने टाइम को उतने टाइम के ऊपर जोर लगा के वो टेस्ट दें और पास करें, ये मुश्किल है। मुश्किल ये बातें होती हैं, छुट्टी ना करना, रेगुलर रहना, रोज आना क्लास में, ये मुश्किल है, ठीक है ना। मुश्किल काम ये है, अकाउंटिंग मुश्किल नहीं है, मुश्किल है सेल्फ डिसिप्लिन बना लो, जितनी जल्दी अपने आप को डिसिप्लिन फायदा हो जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, आप इसके लिए 4-5 लाइनें छोड़ देंगे, चले मैं यूं लिख देता हूं, 6 लाइनें इसके लिए छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद क्या है जी आखिर में, तीसरी एक्टिविटी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। तो ये तीन एक्टिविटीज हो सकती हैं, तो आप दूसरा सफा इसके लिए छोड़ दिया करेंगे सवाल पर्चे में, ठीक है ना। पहला सफा हेडिंग बनाई, क्या चीज की हेडिंग बनाओगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की हेडिंग बनाओगे, और पहला सफा खाली, ठीक है। फिर
फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की हेडिंग बनाओगे, 7-8 लाइनें इसके लिए खाली, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी की हेडिंग बनाओगे और बाकी सफा खाली। अभी 2-3 चीजें इसके अंदर और ऐड कर लेंगे एंड पे आके, ठीक है जी? ठीक है। अच्छा उसके बाद, अच्छा एक सफा ना उसूलों के लिए रख लो, उस पर छोटे मोटे उसूल लिखा दूंगा मैं, जरा काम देंगे आपको फिलहाल पर्चे के अंदर, ठीक है ना? तो एक सफे पे सिर्फ आपने उसूल लिख लेना, उस पर फिर और कुछ नहीं लिखना, एक सफा काफी होगा, सारी कैश लो के छोटे मोटे उसूल उसके ऊपर आ जाएंगे इंशाल्लाह। फिर मैं देख लूंगा कोई एक हैंड रिटन सफा दे भी लूंगा आपको हाथ से लिख के कोई जरूरत पड़ी तो। अच्छा उसके बाद हमारी पेट वर्किंग जो हुआ करेगी सबसे पहली वाली, वो हुआ करेगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की। ये सारी बातें आपको पता नहीं अजीब लग रही होंगी, लेकिन ये गरीब भी लग रही होंगी आपको, मुझे पता है अजीब वाओ गरीब, लेकिन ये आने वाले दिनों में आपको आदत पड़ जाएगी। ख्वाब से भी आपको उठा के तो गहरी नींद से उठा के कहेगा हे हंसी आपको तो कैश कैश, हाँ ये 1-2-3-4 ये चीजें आती हैं इसमें, ठीक है ना? अभी तो पहला दिन है आज, ठीक है। अच्छा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कैश और कैश से मिलती जुलती चीजें, ठीक है। इसके अंदर कैश इन हैंड भी आता है, ये कैश ही होता है, कैश एट बैंक भी आता है, ये भी कैश ही होता है, ये बताते खुद कैश है, ठीक है। और फिर इससे मिलती जुलती चीज क्या है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स अगर हो तो। क्या चीज जी? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स क्या मतलब? प्राइस बॉन्ड पड़े हैं, जब जरूरत पड़नी है जाके तोड़वा लें, तोड़वा के पैसे आ जाने, तो समझो कैश ही है ना, ठीक है। ये तीन चीजें, पॉजिटिव कैश पड़ा होता है असल में ना, हम यहां पे ये बता रहे होते हैं कि एकदम से कितना कैश हमारे पास अवेलेबल हो सकता है या हमें देना पड़ सकता है, ये भी बता रहे होते हैं। यानी यहीं पर ये पॉजिटिव अगर है ना, तो यहीं पर इनके इन्हीं इसी वर्किंग के अंदर शॉर्ट टर्म लोन बैंक से अगर लिया हुआ है तो वो माइनस साइन के साथ शो करते हैं, और किसी के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन ही होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाए, शॉर्ट टर्म लोन आ जाए, इस किस्म की कोई चीज आ जाए, मेरे ख्याल में ये 4-5 से ज्यादा कोई चीज होती रही है, को होगी तो एक आधे सवाल के अंदर है, वो सवाल में ही देखेंगे, वो एंड पे जाके जो सवाल कर रहे होंगे पास पेपर को, कोई एक आधी चीज नहीं आई भी तो। और ये भी पांचों की पांचों चीजें हमारे सवाल के अंदर नहीं आया करेंगी, आप देखेंगे इसमें मैक्सिमम 1-2 चीजें आया करती हैं नॉर्मली, यानी कैश और कैश से मिलती जुलती चीजें सवाल में से देख के हम लिख लिया करेंगे यहां, ठीक है। जगह की कमी का जरा सामना होगा हमें, इसलिए थोड़ा एहतियात के साथ, ठीक है जी। अच्छा चले, इसके अलावा कोई चीज आ गई और कैश से मिलती जुलती हुई तो हम वो भी लिख लेंगे। बहरहाल ये पेट वर्किंग होगी, उसके अलावा आगे सवाल की जरूरत के हिसाब से हम जितनी वर्किंग्स चाहिए होंगी उतनी वर्किंग्स करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये मेन फॉर्मेट है हमारा फिलहाल तक, ठीक है। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का सेक्शन होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का होगा, और वर्किंग वन में कैश और कैश से मिलती जुलती चीजों को हम प्रेजेंट करेंगे, जो 5 ही हैं आपके लिए, ठीक है। ये समझो ऐसे हम नेट करके यूं बताते हैं कि ये कैश की समझे पोजीशन है, कि अगर आज ही सारे पैसे हम अपने यहां पे निकलवा के बैंक से दराज से और तोड़वा के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सामने रख दें, तो साथ ही बैंक वाले भी आ जाएंगे और अभी के अभी ऑन डिमांड ओडी या शॉर्ट टर्म लोन उठा के ले जाएं, तो वो इस तरह की बात कुछ करना चाह रहे थे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की वर्किंग में। ये 5 चीजें इसके अंदर होंगी, मैक्सिमम यही होंगी, ठीक है, सही है। अच्छा अब सवाल के अंदर हमें 1 साल की इनकम स्टेटमेंट और 2 साल की बैलेंस शीट दी हुआ करेगी, कैश फ्लो के सवालों के अंदर जरूरी है ये 1 साल की इनकम स्टेटमेंट और 2 साल की बैलेंस शीट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने बैलेंस शीट के हर आइटम का लेजर ओपन करना है, बैलेंस शीट के हर आइटम का लेजर ओपन करना है सिवाय वर्किंग कैपिटल आइटम्स के। आपको ये वर्किंग कैपिटल क्या बोला है, जरूरत नहीं है वर्किंग कैपिटल को जेन में रखने की, वैसे ये कॉन्सेप्ट तो कॉस्ट के टॉपिक का है, ठीक है, लेकिन वर्किंग कैपिटल रेशियोज को हम FAR 1 के अंदर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मजीद अंदाजा भी होगा। वैसे वर्किंग कैपिटल पता है किसे कहते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, शायद आपने कहीं ना कहीं पढ़ा सुना हो, तो किसमें जी, क्या कह रहा है ये दीवाना क्या कह रहे हो कल वाले
नहीं भाई, मैं वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा हूँ। वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। कहीं पे लिख लेना अलग से, ये सवाल के अंदर नहीं लिखना, ठीक है ना? क्योंकि हम वर्किंग कैपिटल नहीं निकाल रहे यहाँ पे। वर्किंग कैपिटल तो निकालेंगे आप बीएफडी के अंदर जाके, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, एमएफए के अंदर अब तो होगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो वर्किंग कैपिटल आप वहां निकालेंगे, फॉर्मूला यही होगा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। मैं तो बात कर रहा हूं इस वक्त वर्किंग कैपिटल आइटम्स की। मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था ना वर्किंग कैपिटल आइटम्स, तो उसका मतलब होगा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। ये मैं कह रहा था वर्किंग कैपिटल आइटम्स होते हैं, ठीक है ना? वर्किंग कैपिटल हमने नहीं निकालना यहाँ पे। वर्किंग कैपिटल रेशियोज हैं, रेशियो के टॉपिक में, उसमें वर्किंग कैपिटल नहीं निकालना, बल्कि कुछ रेशियोज हैं जैसे वर्किंग कैपिटल। मैंने क्या कहा कि वर्किंग कैपिटल आइटम्स कौन कौन से होंगे जी? फिर वर्किंग कैपिटल आइटम्स कौन कौन से होंगे? सारे करंट एसेट्स और यानी के स्टॉक है, डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी पेएबल है, सैलरी पेएबल है, कैश है, बैंक है, ये सब क्या है? करंट एसेट्स है, करंट लाइबिलिटीज है, इनको वर्किंग कैपिटल आइटम्स कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी के डिफरेंस तो वर्किंग कैपिटल आता है। और ठीक है ना, समझ रहे हो? अच्छा, तो वर्किंग कैपिटल आइटम्स की रेशियोज भी कैलकुलेट करेंगे ना हम, तो वही रेशियो कुछ इन्वेंट्री की रेशियोज होंगी, डेटर की होंगी, क्रेडिटर की होंगी, ये रेशियोज हम कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग कैपिटल आपने एमएफए में निकाल लें, आई थिंक है सिलेबस में अब तो। बहरहाल बात मैं ये कह रहा था कि हम बैलेंस शीट के हर आइटम का लेजर ओपन करेंगे सिवाय वर्किंग कैपिटल आइटम्स के, ठीक है? लेकिन एक बात और भी ऐड कर दूं, ये असूल अभी लिखवाता हूं, मैं लिखवाता हूं, खुद लिखवाऊंगा असूल वाले सर, ठीक है ना? ये भी तो वर्किंग कैपिटल आइटम्स ही हैं, ठीक है? इनकी अपनी जगह है, ये वर्किंग वन में चले जाया करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला उसूल लिखें, फिर उसको अप्लाई करते हैं। उसूलों में सबसे लिखें। अच्छा, ये मेथड ना दो है वैसे कैश फ्लो बनाने के, लेकिन मैं दूसरा तब बताऊंगा जब पहला माहिर हो जाएंगे पहले में। तो अभी तो आपकी जिंदगी में एक ही मेथड है, समझे कि कैश फ्लो बस ऐसे ही बनती है जिंदगी में और इसके अलावा किसी तरीके से नहीं बन सकती। तो इसी मेथड के ये उसूल है। जब दूसरा मेथड पढ़ाऊंगा तो इसके ऊपर हेडिंग भी दिलवा दूंगा। फिलहाल आप उसूल लिखें, लिखें सबसे पहला उसूल हम बैलेंस शीट के कैश फ्लो बनाने के लिए, ठीक है? कैश फ्लो बनाने के लिए हम बैलेंस शीट के हर आइटम का लेजर ओपन करेंगे सिवाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और वर्किंग कैपिटल आइटम्स के। हम बैलेंस शीट के हर आइटम का लेजर ओपन करेंगे सिवाय वर्किंग कैपिटल आइटम्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम्स। हम बैलेंस शीट के हर आइटम का लेजर ओपन करेंगे सिवाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम्स और वर्किंग कैपिटल आइटम्स के। लिख लिया सबने? लिख लेंगे तो फिर अगली बात भी करूंगा ना। अच्छा भाई देखो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का लेजर ओपन नहीं करना, उसकी अपनी वर्किंग मौजूद है, ठीक है? और वर्किंग कैपिटल आइटम्स जो हैं, इनके अलावा बाकी डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, इन्वेंट्रीज हैं, एक्रूअल प्रीपेमेंट्स हैं, ढेर सारे, उनका क्या करना है? उनको भी लेजर नहीं बनाना, उनको मेन वर्किंग में डायरेक्ट कुछ करेंगे, ठीक है ना? वो आज सिखाता हूं थोड़ी देर में, ठीक है? फिलहाल तो सवाल को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है? चलो देखें, स्टार्टिंग पॉइंट याद रखिएगा हमेशा क्या हुआ करेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या हुआ करेगा जी? स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये याद रखना, ये हमेशा यही होगा, हमेशा यही होगा, कभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं हो सकता। हाँ, सवाल के अंदर वो बोल दे प्रॉफिट फॉर द ईयर इतना है और टैक्स सवाल में हो ही ना, तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ठीक है ना? हमारे लिए तो फिर वही प्रॉफिट है, ठीक है? तो ऐसी सूरत में फिर वही फिगर उठा लेंगे। वैसे उसूल की बात बता रहा हूं, वो क्या है, अगर दोनों प्रॉफिट दिए हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी, तो हम हमेशा कहां से शुरू करते हैं? इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है भाई, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है? ये स्टैंडर्ड ने कहा हुआ है, ये रूल है, ये वाले मेथड से जो हम कैश फ्लो बना रहे हैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या हुआ करेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको जगा दो यार, नया टॉपिक है यार, तुम सो रहे हो आज,
बताना भूल गया, वैसे मैं नहा धो के आते हैं, नए कपड़े पहन के आते हैं, ईद वाले नया टॉपिक। अच्छा जी सुने सुने, इसके बाद ना जी इधर देखें, इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी, वो एडजस्टमेंट्स किस चीज की हैं वो मैं बताऊंगा जब बारी आएगी उनकी, ठीक है ना। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं, तीन चार लाइनें इसके लिए हमने खाली छोड़ दी, और यहां पे मैं वर्किंग कैपिटल आइटम्स की चेंजेस को लिया करूंगा, एडजस्टमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल आइटम्स चेंजेस, ठीक है। मेरी अपनी अंग्रेजी है, पता नहीं क्या होगा स्टैंडर्ड के अंदर लिखा हुआ, मैंने आसान सी बात लिख दी भाई। जैसे पहले आज किया, पहला दिन है परेशान ना होना, हमने इस टॉपिक को 11-12 दिन लगाने हैं, मतलब 10 दिन मैंने प्लान किए हैं, लेकिन मैं आपको बता 2 दिन ऐड आपकी तरफ से कर देता हूं। अब 10-11 दिन जिस टॉपिक पे लगने हो, पहले दिन तो उसकी बेस ही होती है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके अंदर पहला सवाल किसी और तरह हो, दूसरा किसी और तरह। वैसे तो हमने कोशिश ये रखी है हमेशा कि जिससे पहला सवाल, जिस पहले दिन जैसा सवाल करते हैं आखिरी सवाल भी वैसे ही कर रहे होते हैं, ठीक है ना। सिर्फ जेनिक्विटी बनाना सीखा, जैसे पहला सवाल सीखा हर सवाल वैसे ही करते थे। कैश फ्लो का सवाल जिस तरह पहला सवाल करा रहा हूं हर रोज ऐसे ही होगा। इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर जैसे पहला सवाल करेंगे हर रोज सवाल बदलेगा, एडजस्टमेंट बदलेगी, तरतीब तरीका नहीं बदलेगा। पर्चे में कोई बच्चा ये नहीं कह सकेगा कि हमें तो समझ ही नहीं आती कैश फ्लो का सवाल आगे शुरू कहां से करें। लेकिन आज थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है आपको चीजों को डाइजेस्ट करना, पर परेशान इसलिए मैं कह रहा हूं ना हो कि ये आज नहीं करना, ये कल भी करना है, परसों भी करना है, ये अगले 10 दिन तक हमने इसी तरह से कैश फ्लो रोज बनानी है। इसलिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं बेटा जो आज आपको हजम नहीं होंगी, लेकिन आज मेरा टारगेट सिर्फ इतना है कि मैं किसी भी तरह से सवाल को पूरा कर दूं, एक सवाल सिर्फ आपके सामने पूरा हो जाए, बस उसी तरह से आप भी जाके पूरा कर देना। जो समझ आ रही है समझ के पूरा कर लेना, जो नहीं समझ आ रही है देख के पूरा कर लेना। कल से इंशाल्लाह फिर चीजें अनफोल्ड होती जाएंगी रोजाना की बेसिस पे, ठीक है। और काम इंशाल्लाह आप देखेंगे रोजाना यही हो रहा होगा। अब तीन जगह आ गई मेरे पास, एक है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर ये एडजस्टमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल आइटम्स का सेक्शन, दूसरी चीज आ गई वर्किंग वन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और तीसरा मैदान फिर अब ओपन है। तो उसूल नंबर वन समझ आ गया, उसूल वन फिर समझ आ गया कि तीन ही तरह की चीजें हो सकती हैं ना, तीन ही तरह की चीजें हो सकती हैं जी, बैलेंस शीट में या वो करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज होंगे अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, या फिर वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होंगे और जितने इसके अलावा बचेंगे उन सब के हमने लेजर्स में। तो उसूल मैंने क्या लिखवाया आपको कि हम बैलेंस शीट के हर आइटम का लेजर ओपन करेंगे सिवाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के और वर्किंग कैपिटल आइटम्स के। अब उनकी जगह भी आपके सामने आ गई, ठीक है ना, सही है। तरतीब से चलते हैं। अब सबसे पहले क्या आ रहा है, कैश। हम कैश फ्लो किस साल की बना रहे हैं भाई, 31 दिसंबर 2010 की, तो फिर 9 को छोड़ो 10 की बात करो, कितना कैश आ रहा है 10 का, 145 रुपीज इन थाउजेंड्स है जी हमारा सवाल, रुपीज इन थाउजेंड्स करेंगे। लो भाई एक बार टॉप पे लिख लेते हैं रुपीज इन थाउजेंड्स रिक्वायरमेंट पे, बाकी वर्किंग्स में फिर को नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि वर्किंग्स में से फिगर निकल के इधर ही आती है ना, और यहां पे लिखा होता है ऊपर रुपीज इन थाउजेंड्स, ठीक है, सही है। अच्छा आप देखो बैलेंस शीट सामने है और आपके सामने ऐसे तीन सेक्शंस ओपन है, एक है वर्किंग कैपिटल आइटम्स, उसके बारे में आपने कहा इसमें सारे करंट एसेट करंट लायबिलिटीज आते हैं, लेकिन साथ ही आपने कहा ओहो पांच चीजें ऐसी हैं जो वर्किंग कैपिटल से भी निकाल के हमने अलग कर ली थी। तो तीन सेक्शन आपके सामने खुले हैं, वर्किंग कैपिटल आइटम्स करंट एसेट करंट लायबिलिटीज जाएंगे अदर देन ये पांच, तो फिर ये पांच आएंगे वर्किंग वन में, और इसके अलावा जितने होंगे उनके लेजर बनाने हैं, ओपनिंग क्लोजिंग लिख लेने, ठीक है, सही है। अच्छा चले, असल में ना ये टॉपिक बड़ा ही आसान हो जाता था जब सिंगल एंट्री का टॉपिक पहले करके आते थे हम, एफ आई आर वन के अंदर पहली बार ऐसा है एफ आई आर वन वाले सिंगल एंट्री के टॉपिक की जुदाई बर्दाश्त कर रहे हैं, वो ऐसा टॉपिक था 13-14 दिन उसके ऊपर खूब रगड़ा लगता था, लेकिन वो रगड़ा इतना कारआमद होता था कि कैश फ्लो में आके बच्चे हंसते थे ये भी कोई टॉपिक है, लेकिन अब उस रगड़े के थोड़े से जो कहते हैं ना हाईलाइट्स वो इसमें नजर आएंगी, लेकिन इससे फायदा ये हो जाएगा कि इससे बेस ये बन जाएगी कि फिर इनकम एक्सपेंडिचर में हमें आसानी ही रहेगी, ठीक है ना। तो बहरहाल थोड़ा सा इसलिए भी आपके आपका जोर इस टॉपिक पे लगेगा क्योंकि सिंगल एंट्री का टॉपिक आपने
नहीं गया, उस सिलेबस से निकल गया, ठीक है ना। उसमें तो अखीर ही मिसिंग फिगर होती थी ना, यहाँ पे तो एक एक होती है। एनीवेज चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है जी? कैश। क्या है जी? अच्छा, अब क्लोजिंग भी गिवन है और ओपनिंग भी गिवन है। जिस तरतीब से सवाल में गिवन है मैंने वही तरतीब यहां लिख ली ताकि गलती के चांसेस ना रहे, ठीक है ना। और सही है, देख लो, ध्यान से देख लेना। जरूरी नहीं है कि हमेशा इतना अच्छा हो सवाल के पहले क्लोजिंग हो फिर ओपनिंग। कैश लोग सवाल में कभी कभी ना ऐसे भी हो जाता है कि वो इस तरफ ओपनिंग लिख के इधर क्लोजिंग लिख दे, हालांकि गलत है लेकिन पुराने किसी सवाल के अंदर नजर आ भी जाता है। पर्चे में ऐसा कभी कर दे तो ये ना हो हर ओपनिंग क्लोजिंग बना खड़ा, हर क्लोजिंग ओपन, तो ध्यान से एक बार देख लेना है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है जी? क्लोजिंग है और ये ओपनिंग है, ठीक है। अच्छा, तो कैश ओपनिंग कितना है? 32 और क्लोजिंग 32 और 145, ठीक है जी। बस फिगर उठा के लिख रहे हैं, कुछ नया काम नहीं करना। और जब मैं ये सब कुछ लिख लूंगा ना, साथ साथ नोट ना करें, तब मैं फिर रुकूंगा 2-3-4 मिनट और आपने ये सारा सवाल यहां से जैसे देख के मैंने पोस्ट किया ना वैसे पोस्ट करना। इसलिए साथ साथ ना पोस्ट करें, साथ साथ सिर्फ देखें ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट, तसल्ली से, सवाल ये पूरा नहीं ना होगा, पूरा नहीं होगा, जहां पे रुक गया रोक देंगे, तेजी नहीं करनी मैंने, ठीक है। कल फिर नए सिरे से शुरू कर देंगे। मैं पहला सवाल 2 दिन में करा दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये सवाल संभालना है, इसलिए जरा ध्यान से देखते रहें, पहला दिन है, ओके। नेक्स्ट क्या है जी? अकाउंट रिसीवेबल, डेटर्स। डेटर्स आसानी के लिए डेटर्स कह दूं इसको, जरा आप लोगों को डेटर्स इजी लगता है ना, डेटर्स। अच्छा, अब डेटर्स क्या वर्किंग वन में नजर आ रहे हैं? क्या ये करंट एसेट करंट लायबिलिटी में से कोई चीज है? यस, दिस इज द करंट एसेट, दिस इज द करंट एसेट। ये तो वर्किंग कैपिटल आइटम है, तो इसने तो फिर इधर आना है। अब करना क्या है इसका, ये मैंने अभी नहीं बताया, बस लिख लो, फिलहाल लिख लो। अभी इनकी बात ना एंड पे करेंगे, वरना ये अभी कर दूं ना तो उलझने लग जाओगे। फिलहाल सिर्फ डाटा लिखना है हमने, ठीक है ना। तो डेटर पेंडिंग कर दिया मैंने, डेटर पेंडिंग कर दिया, लिख लेंगे यहां पे आप, ताकि पता हो कि यहां पे इसने आना है, जो भी इसका होना है यहां पे होना है, ठीक है ना। इसके एक जुगाड़ बनाएंगे, लॉजिक तो 4th-5th लेक्चर में जाके दूंगा इसकी, जो काम यहां करना है। फिलहाल सिर्फ वो जुगाड़ बताऊंगा जो एरर फ्री तरीका है। पर्चे में मुफ्त के नंबर मिलेंगे, गलती कभी नहीं हो सकती उससे, वो पक्का हो जाएगा 3-4 दिन में, पर्चा पास होना पक्का हो जाएगा। लॉजिक फिर बता दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। सिर्फ इस सेक्शन की लॉजिक बहुत डिले चली जाएगी, बाकी सारी तो वन बाय वन आपको डे बाय डे मिल ही रही होंगी, ठीक है, ओके। हाँ, 4-5 दिन बाद इधर जो करना है ना उसकी लॉजिक बाद में। बहरहाल फिलहाल तो यहां पे कुछ कर भी नहीं रहे, तरतीब से चल रहा हूं मैं। सबसे पहले कैश मिला, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ले आया, उसूल ज़ेहन के अंदर है। हर चीज का लेजर बनाना है सिवाय इन 5 के और करंट, बाकी करंट एसेट करंट लायबिलिटीज के, बाकी करंट एसेट करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल आइटम्स की चेंजेस में आ जाएंगे इस सेक्शन में डायरेक्ट। फिर 5 चीजें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, इसके अलावा जो भी बैलेंस शीट में नजर आए उसका आपने लेजर ओपन करना, ठीक है। तो डेटर्स नजर आए, डेटर्स ले गए, करना क्या है बाद में बताता हूं। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये पढ़िए, लेजर बनाए, फिर बनाए नहीं, रुके आप लोगों ने साथ साथ नहीं नोट करना, प्लीज, वरना फायदा नहीं होगा बेटा। आप सिर्फ देखें एक बार, मैं रुकूंगा फिर आपने बगैर इधर देखे सवाल को कोशिश, हाँ फॉर्मेट बना लेना आपने पहले देख के, कोई मसला नहीं, आज पहला दिन है और अभी इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं फॉर्मेट के अंदर जो पैट हुआ करेंगी, तो कल से ऑनवर्ड ऐसा होगा कि सवाल शुरू करते ही वो पैट फॉर्मेट बना लिया करेंगे, ठीक है। और वो 1-1.5 मिनट में बनाना टारगेट होगा हमारा, उसके बाद सवाल शुरू कर देंगे, ठीक है। तो भाई क्या है जी, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म वर्किंग है भाई, आप एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं। बहरहाल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग कितना है? 170 और क्लोजिंग कितना है? 220। बस ये ओपनिंग क्लोजिंग लिखते जाओ, ओपनिंग पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग बना होगा ना, और इस साल का क्लोजिंग भी सवाल हमें बता रहे हैं कितना है? 220, ठीक है, ठीक है जी, ओके। उसके बाद आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या है? इन्वेंट्री। क्या ये वर्किंग कैपिटल आइटम है? है तो सही, कौन सा वाला? इन 5 में से, तो फिर कहां जाएगा? तो यहां लिख लो, इन्वेंट्री करना क्या है ये तो अभी नहीं बता रहा, ये अब 10-15 मिनट बाद बताऊंगा, 10-1 मिनट बाद, जब आप ये बाकी नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये टिक होने से भी अभी रहे हुए हैं इन्वेंट्री भी, ठीक है, ये स्टार अभी रहता है,
ये अभी रहता है। नेक्स्ट क्या है जी? प्रीपेड इंश्योरेंस, यानी प्री पेमेंट। प्रीपेड इंश्योरेंस है, करंट एसेट है, करंट एसेट है, नहीं है करंट एसेट, करंट एसेट नहीं है तो फिर की है? तो प्रीपेड एक्सपेंस आज पे कर दिया है, अभी यूज अप नहीं की सर्विस, तो वो एसेट ही है। हाँ भाई, करंट एसेट है प्री पेमेंट, सवाल खामोश हो तो नॉर्मल अजम्पशन करंट एसेट ही होता है। जैसे पेबल पड़ा हो तो नॉर्मल अजम्पशन क्या होती है, वो करंट अक्रूअल प्री पेमेंट, ठीक है? तो प्री पेमेंट है, करंट एसेट है, करंट एसेट है तो लेजर नहीं बनाना, ठीक है? लेकिन इन पांच में भी नहीं आ रहा तो कहां चला जाएगा? प्री पेड इंश्योरेंस। पता नहीं क्या करना है, अभी स्टार लगा देते हैं। नेक्स्ट, वो इसलिए लिख रहा हूं ताकि जगह आप वहां पे, ताकि आप कहें हाँ ठीक है, बाकी सारा कुछ हमने लिख लिया स्वाइल के। नेक्स्ट क्या है? ऑफिस सप्लाईज क्या होता है जी? जैसे स्टेशनरी होता है, किसने बोला ये? हमने कहीं पे देखा तो है नहीं, भी सिंगल एंट्री तो हमने पढ़ा नहीं। स्टेशनरी का अकाउंट अगर राइज वाले बनाए तो यू कहेंगे कि जी साल के शुरू में 100 रुपए की स्टेशनरी पड़ी थी, ये मार्कर्स हैं, आप पेपर देते हैं, पेजेस हैं, फाइल्स हैं और स्टेशनरी का सामान है, ठीक है? तो कुछ स्टेशनरी पड़ी है पीरियड के स्टार्ट में और कुछ इन्होंने खरीदी, तो स्टेशनरी डेबिट कैश क्रेडिट, लेट्स से 1500 रुपए की स्टेशनरी इन्होंने खरीदी, ठीक है? और जब अगला पीरियड एंड होता है तो देखते हैं जी 300 रुपए की स्टेशनरी अभी भी यूज नहीं हुई, तो इसका मतलब 1600 में से 300 की यूज नहीं हुई तो बाकी 1300 क्या हो गई? एक्सपेंस हो गई। एक्सपेंस कह लें इसको, कंज्यूम्ड कह लें इसको, बात समझे हो? तो ये किसी भी और एक्सपेंस के जैसा एक एक्सपेंस अकाउंट है, लेकिन इसमें ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस आने का मतलब क्या है? वो स्टेशनरी जो हमने खरीदी, आपको जी अभी पिछले पीरियड में कोई नहीं था, अब ये लो, ज्यादा इजी कर ले, वो इन्वेंट्री, वो स्टेशनरी जो हमने खरीदी और अभी इस्तेमाल होने से रह गई, तो वो सारे के सारा स्टेशनरी एक्सपेंस तो नहीं बनना चाहिए, सिंपल सी बात है। उसको क्या कहेंगे? इसको स्टॉक कहेंगे। ये करंट एसेट है तो हमारे पास फिर 1200 रुपए का एक्सपेंस आ जाएगा। हम कहेंगे जी प्रॉफिट एंड लॉस में जाना होता है, 1200 कहेंगे जी 1200 एक्सपेंस आउट हो गया और क्लोजिंग में ये स्टॉक हमारे पास पड़ा है, ठीक है? तो इंट्रो की रिवीजन है, इंट्रो में स्टेशनरी एक्सपेंस बचपन में पहले पढ़ते थे, सिर्फ एक्सपेंस है, फिर आगे जाके आपको गूगल प्रीपेमेंट को डॉक्यूमेंट बताया जाता था कि जो अनयूज स्टेशनरी हो वो ऐसे स्टॉक बन जाती है। ये किसी भी और एक्सपेंस जैसा अकाउंट है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होता था, रेंट आती थी या पेएबल आता था, रेंट एक्सपेंस होता था, प्री पेमेंट आती थी या पेएबल आता था, फिर पेड ऑफ पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट होता था, क्लोजिंग में पेएबल आता था या प्रीपेड आता था, और बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में जाती थी। तो बिल्कुल वैसे ही एक अकाउंट है ये भी, और ठीक है। अच्छा, एनीवेज लेजर बनाना नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने ये उसूल तय कर लिया है कि बैलेंस शीट के हर आइटम का लेजर बनाएंगे सिवाय वर्किंग कैपिटल आइटम्स के और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम्स के। तो ये भाई करंट एसेट है, स्टेशनरी क्या है? स्टेशनरी का स्टॉक करंट एसेट है, तो करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज, ये तो वर्किंग कैपिटल आइटम्स है, और इन पांच में नहीं है तो इसको भी यहां पे आना चाहिए। तो क्या था? अच्छा, ये ऑफिस सप्लाईज थी, सॉरी, ऑफिस सप्लाईज को स्टेशनरी कहते हैं भाई, ठीक है, चलो ऑफिस सप्लाईज ही लिखते हैं, माजरत जी, पता नहीं अब इनका करना क्या है, चलो जान छूटी बहरहाल इनसे। अब नेक्स्ट क्या है जी? लैंड। लैंड क्या वर्किंग कैपिटल आइटम है? करंट एसेट है, करंट लाइबिलिटी है, वर्किंग कैपिटल आइटम तो नहीं है। क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है? नहीं, तो फिर क्या है? लेजर वाला आइटम है। तरतीब समझ रहे हो? मैं बहुत स्लो चल रहा हूं यार, इससे स्लो हो नहीं सकता, अब इससे मैं क्या स्लो करूंगा। लैंड ओपनिंग बता दो मुझे 2500 और क्लोजिंग 1810। ये कहां से मिले ओपनिंग क्लोजिंग? ये देखो 2500 1810, ये तीन अभी रहते हैं और ये एक भी रहता है, ये स्टार लगा हुआ, इनको एंड पे देखेंगे, ठीक है, सही है। नेक्स्ट है जी बिल्डिंग। बिल्डिंग के बारे में बताओ, क्या ये वर्किंग कैपिटल आइटम है? ना तो ये करंट एसेट है, ना करंट लायबिलिटी। क्या ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है? नहीं, तो फिर लेजर बनाएंगे, तो बिल्डिंग का लेजर नंबर 4 यहां बना लेते हैं।
बिल्डिंग, लेकिन उसने कॉस्ट अलग दी हुई है, अकोमोडेशन अलग दी हुई है, तो अगर ऐसा हो तो हम भी ऐसे ही करेंगे। अगर सवाल में अलग अलग दे कॉस्ट अकोमोडेशन, तो हम भी कॉस्ट अक्यूमुलेटेड डेप्शन अलग अलग रखेंगे। सवाल में एसेट की बुक वैल्यू दे दो, हम भी बुक वैल्यू पे बना देंगे। ठीक है, तो बिल्डिंग की कॉस्ट ओपनिंग बताएं जी 2300, क्लोजिंग बता दें 2800, और साथ ही इसकी रिलेटेड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना दो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्किंग नंबर 5, क्योंकि ये भी ना वर्किंग कैपिटल है ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो बैलेंस शीट के बाकी सारे आइटम्स के तो लेजर ही बनते हैं, लेकिन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, नेचर इसकी क्रेडिट है, कॉन्ट्रा एसेट है, जरा बैलेंस ऑपोजिट साइड पे आने। ठीक है, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 720 ओपनिंग और 890 क्लोजिंग। सब बच्चे सिर्फ देख रहे हैं कि ये बैलेंसेस कहां कहां से आ रहे हैं, और फिर इंशाल्लाह अभी जब 2 मिनट मैं दूंगा उस वक्त सब बच्चे बगैर बोर्ड पे देखें, मुझे पता है सवाल को देखते हुए ही कर देंगे ये सारा काम। नेक्स्ट, ये हो गया टिक, ये भी हो गया टिक, ये भी हो चुका टिक, ये भी हो चुका टिक, ये भी हो चुका टिक। इक्विपमेंट और अक्यूमोडेशन को भी लेजर्स में लाएंगे। अब तो पता लग गया ना, ना ये वर्किंग कैपिटल आइटम है ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो फिर लेजर बनाओ इक्विपमेंट वर्किंग है ना, वर्किंग बस कोई नीचे टोटल के लगाने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है वर्किंग है हमारी, जैसे मर्जी करें लेजर में काम होना चाहिए बस। जी ओपनिंग 1150, क्लोजिंग 1200। नंबर 7, इस इक्विपमेंट की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में बताओ। ये इक्विपमेंट की है, जैसे ये बिल्डिंग की थी, ओहो लैंड की डेप्रिसिएशन ही उन्होंने दी। अच्छा जी, एक्यूमुलेशन ऑफ इक्विपमेंट 350 और ओपनिंग है, और 380 क्लोजिंग, 350 ओपनिंग और 380 क्लोजिंग। ये ना वैसे एकदम से मेरा फैसला हुआ है अभी थोड़ी देर क्लास में आने से पहले, पहले तक तो यही सोच रहा था कि आईएस 80 करेंगे। एनीवेज मैंने सोचा यार क्या 3 सारा लगाना, ये पूरा दिन एक चाहिए, इसकी बेस बना लेते हैं और फिर आईएस 8 तो हल्की आंच पे चलाते रहेंगे साथ साथ, वरना तो उसने बोर कर देना है। अब जो सीखने वाली चीज नई चीज होती है ना, वो जरा अच्छी लग रही होती है, जब वो चीज इंसान सीख लेता है ना, उसके बाद फिर बंदा कहता है यार बस ही नहीं हो रही यार, कर ही जा रहे हैं सवाल, तो उसको फैला देना बेहतर होता है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, एक तो याद भी रहेगा, इस टेस्ट में आ जाएगा, टर्म टेस्ट में फिर आ जाएगा, टर्म टेस्ट 2 होना है जी, मॉक में फिर आ जाएगा, तो वो बार बार रिवाइज होती रहती है चीजें। ठीक है ना, इस तरह से फायदा होता है। हाँ जी आगे बढ़े, नेक्स्ट अकाउंट पेबल, ये क्रेडिटर्स को कहते हैं, मुश्किल पुराना नाम क्रेडिटर्स। हाँ भाई, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल आइटम है, क्रेडिटर्स लिख लेता हूं जरा आसानी होती है आपको। अकाउंट्स पेबल मैंने लिख दिया क्रेडिटर्स, वैसे सवाल में जो लिखा हो वही लिखना है आपने, पर पहले दिन मैंने जरा लिख दिया क्रेडिटर्स। ठीक है, नेक्स्ट वेजेस पेबल भी करंट लायबिलिटी है, वर्किंग कैपिटल का आइटम है, तो वेजेस पेबल। इतने नंबर ऑफ आइटम्स ये वाले किसी और सवाल में इकट्ठे नहीं है, 3 से 4 होते हैं, 3 को होते हैं मैक्सिमम, तो इसीलिए मैंने ये सवाल सबसे पहले करवाया कि जो जुगाड़ आज सिखाना है ना वो पक्का याद हो जाए, पक्का याद हो जाएगा तो इंशाल्लाह पर्चे के लिए तैयार हो जाएंगे, लॉजिक्स विल कम इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा, वेजेस पेबल भी स्टार वाला हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लेजर नहीं बनाएंगे, वर्किंग कैपिटल में लेके जाएंगे। अच्छा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, शॉर्ट टर्म लोन ओपनिंग कितना है जी, ओपनिंग 580, क्लोजिंग भी 580, कोई गल नहीं, लेकिन ये ध्यान में रखो ये शॉर्ट टर्म लोन है, 580 क्लोजिंग, 580 क्लोजिंग, बाकी जो चीजें नहीं है वो नहीं है, बस फिर क्या हो सकता है। तो कहने का मकसद ये कि मैंने आपको बताया था कि सवाल में 2 से 3 दो चीजें मैंने देखा नॉर्मली आती हैं, कभी एक आइटम होता है इसमें से, कभी 2 होते हैं, कभी हद हो जाए तो 3, ठीक है, लेकिन लिख दिए हमने 5 इनमें से जो आया करेंगे यहां पे लिख दिया करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा जी, उसके बाद भाई क्या है, लॉन्ग टर्म लोन वर्किंग कैपिटल आइटम है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। अच्छा अच्छा, अगेन सॉरी सॉरी, यहां बना दूं लेजर नंबर 8, थोड़ी तरतीब आगे पीछे होगी माजरत,
लॉन्ग टर्म, मैंने कहा था ये जरा दोनों इकट्ठे रहे इसलिए वहां पे ले गया था, तो लॉन्ग टर्म लोन ब्रॉड डाउन 1160 कैरी डाउन 985। खुश रहा तो नहीं गया? अरे कैपिटल तुम रहते हो अभी। चलो जी कैपिटल का भी लेजर, कैपिटल वर्किंग कैपिटल है और वर्किंग कैपिटल इसलिए साल बना दिया, वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल आइटम मींस जो करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज होते हैं वर्किंग कैपिटल आइटम्स कहलाते हैं, ठीक है ना। ये दूसरा कैपिटल है, शेयर कैपिटल जिसको कहेंगे दो चार दिन बाद, ठीक है ना। अभी तो सवाल सोल प्रोपराइटर का सामने आ गया ना, फिर कंपनी के भी आएंगे, ठीक है। तो शेयर कैपिटल लिखा होगा, शेयर प्रीमियम लिखा होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स आएंगी, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, डिविडेंड्स आएंगे, बोनस इश्यू आएगा, कैश डिविडेंड भी आएगा, ये सब कुछ हमने किया हुआ है भाई, राइट इश्यू आएंगे, तो इस टॉपिक के अंदर भी वो यूज होंगे बस, ठीक है। ओके अच्छा जी, डरने की जरूरत नहीं, घबराना नहीं, बस आपने 3402-3884 ये कैपिटल का अकाउंट बन जाएगा नंबर 9। ओके जी कैपिटल, फिर भी जगह नहीं बन रही यार लिखने। ओपनिंग बताएं 3402 जी, तो मैं कह रहा था बीच में आमिर भाई ने पॉज करा दिया, बताऊं आपको। अच्छा जी मैं कह रहा था कि बैलेंस शीट के सारे आइटम्स पोस्ट हो गए हैं, तो इतना काम, हाँ ठीक है मैंने माना, इसमें ये जरा स्टार वाली चेक फिगर्स हैं ये अभी रहती हैं, इनका क्या करना है बता दूंगा, इतना काम आप लोग भी कर लें। आमिर भाई कैमरा इधर रखना है, उधर नहीं रखना, और आप लोगों ने क्योंकि आपका ऑप्शन है उधर देखने का भी, आप लोगों ने शक्लें इधर रखनी है, मैं उधर देखते हुए किसी को ना पाऊं और ना पकड़ू। दो मिनट में कर लें ये काम, ये दो मिनट का ही काम है जी बेटा। बेटा नहीं, असल में ना ये क्वेश्चन बच्चे का ये है कि क्यूमुलेटेड एक्शन का बैलेंस नेगेटिव आ रहा है। बेटा नेगेटिव नहीं आ रहा, असल मसला ये है कि विद इन एसिड्स उसने क्यूमुलेटेड एक्शन को प्रेजेंट किया हुआ है, तो एसिड्स के साथ अगर प्रेजेंट करेंगे तो नेगेटिव ही करना पड़ेगा ना इस कॉन्ट्रा एसिड को, या तो ये लाइबिलिटीज वाली साइड पे लिखा होता। ये बेसिकली ना बैलेंस पुराना सवाल है, पुराना सा चीजें कुछ सिखानी ना इसमें, जरा ज्यादा चीजें इसलिए ये सवाल डाला। पहले क्या है, एसिड्स है, और नीचे क्या है, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, ठीक है ना। तो या तो लाइबिलिटीज वाली साइड पे इसको लिखते हैं, लेकिन अगर उधर ही लिखना है तो फिर माइनस तो मजबूरन लिखना पड़ेगा ना। लो जी एक मिनट गुजर गया, फॉर्मेट बनाने का टाइम खत्म हो गया, अब से दो मिनट में सवाल कर लो। शाबाश, हिम्मत करें, जल्दी करें, ये काम नहीं ऐसे फूल बूटे बना के करना, पर्चे के अंदर भी डेढ़ मिनट में कर लेना ये काम, जल्दी करें शाबाश, दो मिनट बहुत है, इंशाल्लाह आप कर लेंगे मुझे पता है। जी ये इस क्लास में किसी के पास रिमोट है एसी का मोबाइल में, यार ये वाला एसी बंद कर दो। अच्छा क्लास में तो बच्चे जो हमारी क्लास में ही नहीं, वैसे हम खुद ही एक दूसरे के हैं, कोऑपरेशन के साथ चलते हैं। जाकल्ला बेटा जिंदार है, पठान के बच्चे तुमने पढ़ना शुरू किया है, क्या लगता है इस बार पास हो जाओगे? तो फिर छोड़ दो पढ़ना क्योंकि तुम्हारा तो ये टारगेट होता है ना कि ऐसा काम ना कोई कर दूंगे पास हो जाओगे। 10 दिन लगातार आ गए यार, इतने रेगुलर जा रहा हूं, कहीं पास हो गया तो 11 दिन छुट्टी कर ली है ना। ले जी एक मिनट रह गया, अब चले आपसे दो मिनट ले लें, अब बस करें, अब इसके बाद कोई नहीं, अब डिस्काउंट नहीं मिलेगा।
चलें जी जल्दी करें, आधा घंटा लीगल रह गया बस। लेकिन अच्छी बात यह कि आप सवाल खुद कर रहे हैं, आई एम इन नो रश एट ऑल। मैं सुकून से सवाल जितना हो गया करवा दूंगा, उम्मीदें हो भी जाएगा वैसे पूरा, क्योंकि कुछ भी डिस्कस नहीं किया आज हमने, फुल फ्लेज क्लास इसी पे रखी हुई है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि आप साथ साथ सवाल करते भी जाएं ताकि आप कॉन्फिडेंट भी होते जाएं कि आज बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, आज ज्यादा फोकस हमारा है सवाल में, डाटा संभालने पे, फॉर्मेट पे। इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट सारे ही सीखेंगे तभी आगे जाएंगे, कोई एक चीज भी ऐसी नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह जिसके अंदर कॉन्सेप्चुअली आपको मसला हो। लेकिन अभी नहीं बेटा, पहले दिन नहीं। हिम्मत कर लें, शाबाश, हिम्मत कर लें, जरा स्पीड ले आए सवाल करने के अंदर। ये फूल बूटे काम नहीं आने पर्चे में, बस पढ़ ले वो अच्छे तरीके से, ऐसे सवाल किया करो, इतनी कुछ स्पीड होनी चाहिए आपकी प्रेजेंटेशन का। मतलब ये नहीं होता कि खूबसूरत हो, प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि लेजिबल हो, वो पढ़ ले, समझ ले क्या लिखा हुआ है। प्लीज थोड़ी स्पीड बढ़ाएं अपनी, पर्चे में मार ना खा जाइएगा, जल्दी करें। कितने बच्चे हैं, जितना काम मैंने करवाया ऑलरेडी कर चुके, जबरदस्त 10 से 15 बच्चे हैं, बाकी भी हिम्मत करें। जल्दी करें, आप लोगों ने ना 10 मिनट लगा दिए इस काम में, जिसके मैंने 2-2 करके पहले 4 मिनट दिए और फिर 5-6 मिनट ऊपर हो गए। जल्दी करें, शाबाश। प्लीज जल्दी कर लें, क्या कर रहे हैं आप लोग, किए जा रहे हैं, पता नहीं क्या किए जा रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, पानी पीऊं, चलो ये भी ठीक है, 2 मिनट 30 सेकंड पानी पीने पे लगा। मैं पानी पी गया, अब आगे बात शुरू कर देनी है तारों में। अब कितने बच्चे कर चुके इतना काम, ऑलमोस्ट सारी क्लास, अब बाकी रुक जाएं जो रहते हैं, अब थोड़ा सा वेट कर लें, मिटना तो कुछ है नहीं इंशाल्लाह एंड तक, बाकी फिर साथ में बाद में, ठीक है। अब इधर देखें भाई, अब अगला इशू है, देखें किया क्या, पहले जरा क्विकली अब देख लें, आपने कर ली, अब ज्यादा इजीली आप इसको पकड़ लेंगे बात को, कि हमने बैलेंस शीट के हर आइटम को, बैलेंस शीट के हर आइटम को सवाल के अंदर लेके जाना है, ठीक है। अब करना क्या है, 3 हिस्सों में इस सारे डाटा को डिवाइड कर दिया, या तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस मेन कैश फ्लो में ले जाएंगे, या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वर्किंग वन में, या इन दो के अलावा जो भी चीज होगी उसका ले जाए, ठीक है। हाँ, इस रूल के नीचे ना एक लाइन खाली भी छोड़ना, क्योंकि कल परसों जाके ना इसके अंदर एक आधी लाइन ऐड करवाऊंगा इसी कॉन्टिन्यूटी में, ठीक है ना। अगर कोई अगला उसूल आए तो कहने का मतलब यह कि आप अगला नंबर ही एक लाइन छोड़ के लगाओ उसूलों वाले समय पे, ताकि ये ना हो आपके पास जगह ना बचे, ठीक है ना। अच्छा, तो
कैश कहां चला गया जी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, डेटर्स वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, अभी करना है देखना उसको करना क्या, इन्वेंट्री लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेजर में आ गई, सॉरी इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल में, प्रीपेड इंश्योरेंस वर्किंग कैपिटल आइटम है, ऑफिस सप्लाइज वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, लैंड लेजर, बिल्डिंग लेजर, एक्यूमोडेशन का भी लेजर, इक्विपमेंट लेजर, एक्यूमोडेशन का भी लेजर, आगे बढ़े, अकाउंट पेएबल वर्किंग कैपिटल आइटम, वेजेस पेएबल वर्किंग कैपिटल आइटम, शॉर्ट टर्म लोन वर्किंग वन, लॉन्ग टर्म लोन लेजर, कैपिटल का भी लेजर, बस डाटा हमने लिखा, यहां तक को मसला। अच्छा अब ये जो छह चीजें है ना, इनके लिए आप जुगाड़ जो बता रहा हूं, ये जुगाड़ आपने ध्यान में रखना है, ये एरर फ्री तरीका है। इन छह आइटम देखो, इस कैश फ्लो में 20 आइटम्स आ जाएंगे मिसाल के तौर पे, उसमें से 6 आइटम्स अगर सही आप कर लो तो काफी वेटेज है, मतलब आप हो जाए वो 30-35% मार्क्स ले गए हैं इस कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट से, काम बड़ा आसान है। तो पहले वो सिखा रहा हूं तरीका जो पर्चे में करेंगे, आज तो हम करेंगे सारी चीजें आगे लिख लिख कर, कल आधा उड़ा देंगे इसमें से, परसों तक जबानी ये चीज याद होगी, तो फिर परले दिन जाके लॉजिक भी दे दूंगा इसकी कि ये हो क्या रहा है। फिलहाल आपने क्या करना है, अब सबकी तवज्जो प्लीज, कोई नोट ना कर रहा हो, डेटर्स डेटर्स आपने क्या करना है, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ देखना है ना, आपने चेंज देखना है, क्या है जी, मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ अगर आप गौर करें तो, एडजस्टमेंट करनी है किसकी, वर्किंग कैपिटल आइटम में चेंज की, वर्किंग कैपिटल आइटम में चेंज की आपने एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। अब डेटर 104 से 280 पे चले गए, तो डेटर कितने से, इधर देखो मैं यूं लिख रहा हूं आपके लिए, डेटर्स बढ़ गए। अब कोई FAR 1 नहीं, इंट्रो की भी पहली क्लास, डेटर का बढ़ना क्या होता है, डेबिट, डेटर्स बढ़ गए तो डेबिट, ठीक है। दूसरा इंपैक्ट कैश पर बोल दो, दूसरा इंपैक्ट कैश पर, तो फिर कैश क्या होगा, क्रेडिट मतलब माइनस, तो वहां पे क्या शो कर दिया करेंगे, माइनस जितना डिफरेंस आया, कितना डिफरेंस था, डेटर 176 से बढ़ गए, मैं यूं लिख भाई, ये असूल होगा, इस तरीके से आप एरर फ्री नंबर ले लेंगे। तो आज मैं इसकी कोई लॉजिक नहीं डिस्कस कर ला, आज मैं सिर्फ ये पांचों छह को पहले मैं लिखूंगा, फिर आप लिखेंगे खुद से, और लॉजिक की बात नहीं करेंगे, कल फिर करेंगे, परसों फिर, दो तीन दिन में ये याद हो जाएगा, उसके बाद फिर लॉजिक्स तो आती रहेंगी इंशाल्लाह, ठीक है ना, सही है। मैं प्रूफ करूंगा कैसे ये कैश में कन्वर्ट हुआ है, प्रूफ करूंगा एग्जांपल्स, लेकिन फिलहाल नहीं, ठीक है। अब हमने पर्चे में मार्क्स लेने के लिए क्या तरीका करना है, यह है वर्किंग कैपिटल, इसकी चेंजेस को कैश फ्लो में लेना है। तो हमने क्या किया, पहले तो चेंज निकाली, कितनी चेंज बन रही है, 176। अब देखना है ये डेटर क्या है, एसेट, डेटर क्या है, ओपनिंग से क्लोजिंग तक जाते हुए ये 176 से बढ़ा है, एसेट का बढ़ना डेबिट, दूसरा इंपैक्ट कैश, क्रेडिट, तो यूं लिखा करेंगे हम, ये लिखा करेंगे पर्चे तक जाते हुए नहीं लिखना, अभी लिखना शुरू करेंगे, दो चार दिन लिख के फिर काम बंद, ठीक है ना। तो ऐसे ब्लू मार्कर कहां गए ओहो, नहीं सर्दी नहीं लग रही, एक मिनट, अच्छा जी कहां था मैं, ओपनिंग से क्लोजिंग तक आते आते डेटर 176 से बढ़ गया, डेटर क्या है, एसेट का बढ़ना डेबिट, तो दूसरा इंपैक्ट कैश को दे दो, क्या कर दो, क्रेडिट, कैश क्रेडिट मतलब कैश कम होना, मतलब माइनस, तो यहां पे आपने लिखा 176 माइनस, ठीक है। अब किताबों में ना रूल इस तरह से नहीं लिखा हुआ, किताबों में रूल इस तरह से लिखा होता है, आप किताबें पढ़े ना तो उनमें रूल यूं लिखा होता है कि करंट एसेट इंक्रीज माइनस शो कर दो, करंट एसेट का डिक्रीज प्लस शो कर दो, करंट लाइबिलिटीज का इंक्रीज प्लस शो कर दो, करंट लाइबिलिटीज का डिक्रीज माइनस शो कर दो, वो मुझे भी मिक्स हो जाता है अभी भी,
तो मैं भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में ऐसे ही याद करता था, हमें भी उस्तादों ने ऐसे ही सिखाया था जैसे आपको सिखा रहे, और ठीक है ना, ये एरर फ्री तरीका है। वो याद नहीं रहता, एसिड बढ़े तो प्लस लिखो, चेंज हो रहा है अगर तो चेंज होते हुए ओपनिंग से क्लोजिंग तक आते बढ़ गया तो फिर माइनस लिखो, कम हो गया तो प्लस लिखो। करंट लायबिलिटी को ओपनिंग से क्लोजिंग तक आते हो देखो, वो बढ़ गई है तो प्लस लिखो कम। अब ये बात जितना मर्जी याद कर लो मिक्स हो ही जाती है, कंफ्यूज बंदा हो ही जाता है, रट्टा भी लगाना पड़ता है, यहां नहीं कंफ्यूज होता बंदा, क्यों? ओपनिंग से क्लोजिंग तक आते हुए डेटर्स बढ़े हैं। अब ये तो हमें पता है ना कि डेटर बढ़ने पे क्या होता है, डेबिट, क्या ख्याल है? ठीक है, तो डेटर बढ़ने का मतलब डेबिट, ये तो हमसे कोई नहीं बुलवा सकता अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है, तो फिर हम दूसरा इंपैक्ट कैश को दे देते हैं। सही है, समझे हो बात? ये मैंने ब्लू से इसलिए लिखा, पर्चे में नहीं लिखना, ये पर्चे में ये नहीं लिखना, ये आज तो लाजमी लिखना है, कल भी लिखना है, परसों कैश उड़ा देंगे, सिर्फ ये लिखा करेंगे और फिर कैश बोलकर लिख दिया करेंगे, और परले दिन तक शायद ये भी लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, हमें याद हो जाएगा तरीका, ठीक है, इंशाल्लाह। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। अभी 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 कोई नहीं नोट कर रहा, अभी कोई नहीं नोट कर रहा, ठीक है, अभी बस सिर्फ देख रहे हैं कि छह के छह आइटम्स को मुझे वहां लिखने दें, फिर आपको मैं, आप तो दो मिनट ही बनते हैं, दो मिनट दूंगा, आप ये काम कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखें, ये इन्वेंट्री 200 से 424 पर आ गई, तो इन्वेंट्री 224 से बढ़ गई, इन्वेंट्री 224 से बढ़ गई। इन्वेंट्री क्या है? एसेट, एसेट का बढ़ना डेबिट, तो दूसरा इंपैक्ट कैश को क्रेडिट कर दो, कितने से? तो 224 से क्रेडिट। क्या ख्याल है? मुश्किल नहीं है ना, ये है एरर फ्री, गलती कभी नहीं होगी इंशाल्लाह इससे पेपर के अंदर, तो ये मुफ्त के नंबर है, इंक्रीज डिक्रीज भूल भी सकता है, ठीक है ना। तो ये सवाल, अच्छा ये सवाल पढ़ते पढ़ते नंबर आ जाते हैं, क्यों? आज तो मैंने इसको समझाना था तो अलग कर दिया ना पहली बार, वरना क्या होता है, हम शुरू होंगे कैश आ गया जी, कैश इन कैश, डेटर आ गया, चलो इंक्रीज डिक्रीज देखा डायरेक्ट यहां पे, लैंड आ गया लेजर बना लो, प्री पेमेंट आ गई इधर ले आओ, तो साथ साथ ही सवाल पढ़ते पढ़ते ये मार्क्स मिल जाते हैं हमें पर्चे के अंदर, तो ये ऐसे ही करना है, ठीक है। और जारी है हमारी कोशिश, प्रैक्टिस जारी है। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट होता है, 36 से कम हो गया, 24 पे आ गया, एसेट 36 से 24 पे आया, कम हुआ है, एसेट कम हुआ है, बोलो, एसेट का कम होना क्या होता है? क्रेडिट। तो दूसरा इंपैक्ट कैश को क्या कर दोगे? कैश को क्या कर दोगे? डेबिट, मतलब पॉजिटिव शो करोगे, ठीक है जी। कितने से ये चेंज आया? 12 से, 12, ठीक है, सही है, चलो आगे बढ़े। अब बात कंफर्टेबल हो गया थोड़ा सा, ठीक है ना, ये मार्क्स लेने पे कंफर्टेबल हो जाओ, लॉजिक दो तीन दिन में इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा, कह रहा हूं, ठीक है। फिलहाल पक्के पक्के नंबर दो, पास होना तो सीख लो पहले। 7 से 14 पर ऑफिस सप्लाईज क्या है? करंट एसेट है। 7 से 14, 7 से करंट एसेट बढ़ गया, एसेट का बढ़ना डेबिट, दूसरा इंपैक्ट कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब सारी दुनिया के सवालों पे ये अप्लाई करके देख लो, हमेशा सही रहेगा, आपकी जिंदगी आसान होगी, ठीक है जी। कितना? 7 नेगेटिव, ठीक है। लाइबिलिटीज वाला भी करने दो मुझे, एक ही बार जो रह गए थे अब सारे काम ही कर दें जी। क्रेडिटर्स 263 से 158 पे आ गए, कम हुए, लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी का कम होना डेबिट होता है, तो दूसरा इंपैक्ट कैश क्रेडिट। लो, कौन याद करे ये बातें, इंक्रीज डिक्रीज, ये तो पता ही है बचपन से हमें, तो सिर्फ देखो ओपनिंग से क्लोजिंग तक आते आते एसेट या लाइबिलिटी जो भी है बढ़ा है, तो उस हिसाब से डेबिट क्रेडिट हमें आता है, ठीक है। कितने से भाई? 105 से, 105 से, 105। नेक्स्ट नहीं बल्कि लास्ट, वेजेस पेबल भी लाइबिलिटी है, 24 से बढ़कर 40 पे चली गई, अब लाइबिलिटी क्या हो गई? तो अच्छी प्रैक्टिस इस सवाल में इसकी, बेसिकली इसलिए ये सवाल पहले करवाया था, ठीक है ना, ये मुफ्त के नंबर पहले सिखाने होते हैं। तो लाइबिलिटी 24 से बढ़ के 40 पे आ गई, तो लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट, तो दूसरा इंपैक्ट कैश पर, कैश क्या कर देंगे? डेबिट। कितने से? अच्छा, अब प्यारे बच्चों मेरी रिक्वेस्ट क्या है कि आप इधर नहीं देखें, आप कोशिश करें ये काम आप खुद कर लें, एक मिनट का काम है, एक से ज्यादा मिनट का नहीं है, आप 1.5 मिनट ले लें बस, इतना ही हो सकता है। सवाल पे ले आए अमर भाई,
बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं छोड़ा हमने, हर चीज को कहीं ना कहीं पहुंचा दिया, या वर्किंग वन में, या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के चेंज में, या लेजर में, देख लो सब कुछ ही टिक हो गया अब तो। ये आप कर लेंगे तो अच्छा, यहां पे करके फिर उधर आंसर देखें, इंशाल्लाह सही होगा, और ये कॉन्फिडेंस फिर ज्यादा बेहतर है, ना कि नकल करके कर लें और फिर घर जा रहे हो और वहां पे जाके फिर सवाल आप सही करेंगे, फिर फायदा नहीं ना। अभी दस्ती दस्ती तैयारी करो, अभी टेस्ट के अंदर कैश फ्लो आ जाए तो तैयार हो आप है नहीं, वैसे कह रहा हूं कि अगर अभी टेस्ट के अंदर बेसिक से सवाल कैश फ्लो का आ जाए तो आप कर लें, इस काबिल होना चाहिए आपको। अगले दो टेस्ट में कैश फ्लो ही टेस्ट होनी है, टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं क्यों अभी क्यों एकदम से मैं कैश फ्लो दूं, कर लेंगे टेस्ट में इसको टेस्ट, शाबाश शाबाश जल्दी जल्दी इंशाल्लाह सही करेंगे बेटा। प्लस माइनस आपका कहीं भी नजर नहीं आ रहा, खैर है, कैश क्रेडिट तो माइनस, कैश डेबिट तो प्लस, काम तुसी कीता कोई नहीं, फिर फायदा कड़ा है। डन क्यों और किसको देखें, और यार जुगाड़ बताया मैंने, ठीक है तरीका बताया मैंने कि एसेट लायबिलिटी जो करंट करंट लायबिलिटी यहां जाने हैं उनको देखो, इंक्रीज हो रहा है अगर एसेट तो दूसरा इंपैक्ट कैश पे डाल दो, वो एसेट डेबिट हुआ तो ये क्रेडिट, माइनस लिखना है बस, गलती नहीं होगी, तो कैश को ही देखना है ना बस, जैसे सिखाया वैसे ही होना। और छेती कर लो सुस्त लोगो, चलिए जी सवाल अब आगे भी ले जाए, सवाल खत्म भी करना है, क्या हो गया आप लोगों को, आप लोग तो सो ही गए, कितने बच्चों ने कर लिया है, तकरीबन सारी क्लास में, बाकी पता नहीं क्यों टिले पे इन्हें। हाँ जी, जिन्होंने किया खुद किया, आंसर देखा तो बिल्कुल सही था, मतलब आसान काम है, कोई नहीं घर जाके दोबारा करेंगे तो और आसान लगेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी अब आगे बढ़ते हैं, इनकम स्टेटमेंट भी तो राहों में पड़ी है, क्या सेल, क्या कॉस्ट ऑफ सेल, क्या जीपी, क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्या सेल, हमारे लिए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्ट में बताया था, तो फिलहाल तो छोड़ो इस सारी इनकम स्टेटमेंट को, और ये नेट इनकम जो है, क्योंकि सवाल में टैक्स का जिक्र नहीं है तो यही पीबीटी, यही पैट एक ही चीज है, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन मैं वहां पे स्टिल वहां पे मैं नेट इनकम या नेट प्रॉफिट का लफ्ज नहीं लिख रहा, कहीं आप भूले से वहां पे कोई नया उसूल ना बना लो। उसूल हमेशा यही जहन में रखना, स्टैंडर्ड ने कहा हुआ है कि ये जिस मेथड से मैं कैश फ्लो बनाना सिखा रहा हूं ना, इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, टैक्स नहीं है तो फिर यही वाला प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसी को कहना, इसी को प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहना भी, ठीक है सही है। तो 950 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक हो गया। नाउ हेयर कम्स द मैच, ऊपर भी तो एडजस्टमेंट लिखी हुई है, उधर किस चीज की एडजस्टमेंट करनी है, यहां तक को मसला है तो बता दो, नहीं तो मैं आगे चलूंगा। शायद ये सबसे टेक्निकल बात होगी कैश फ्लो की, लेकिन है ये भी आसान ही, आपस की बात है, किसी को बताना नहीं, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये एडजस्टमेंट किसकी होंगी जी, ये एडजस्टमेंट तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस की थी ना, यहां पर एडजस्टमेंट्स करेंगे हम फॉर नॉन कैश आइटम्स, फॉर ये एडजस्टमेंट्स किसकी करेंगे जी, क्या मतलब यार, एक बात आपसे की थी क्लास में, आपको याद हो कि ना याद हो, मैंने की थी आपको कि डेप्रिसिएशन की, शायद करेक्शन ऑफ एरर में कहा था कि किसी ने डेप्शन की एंट्री कभी ये देखी हो, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, कहीं भी की थी, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में आ रही है, आपसे की जरूर हुई है मैंने,
कहीं ना कहीं बात की थी, बहाल नहीं की थी तो अब कर रहा हूं। क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री कभी किसी ने ये देखी है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज अ नो। ये 36 के अंदर समझाया था आपको, सवाल करते हो याद आ गया मुझे जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है, दिस इज अ नॉन कैश आइटम, दिस इज अ नॉन कैश आइटम, ऐसे ही है। लेकिन मसला क्या है? मसला इज, यानी मसला है क्या, यहां से जो चले 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 यहां 950 तक आते आते एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी आपका माइनस हो चुका हुआ है 230 का, हुआ है कि नहीं हुआ? प्रॉफिट की फिगर तक आते आते 230 की डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है। बोलो क्या ये सही है? हमने इस वक्त कैश फ्लो की बात करनी है और स्टार्टिंग पॉइंट में वो चीज ले रहे हैं जिसमें से एक नॉन कैश आइटम माइनस हुआ पड़ा है। तो सबसे पहले इसको क्या कर दें? रिवर्स कर दें। क्या कर दें? रिवर्स बोला करो, फिर देखेंगे इनकम भी तो पड़ी हो सकती है रिवर्स करने वाली, फिलहाल तो एक्सपेंस है, ठीक है ना? तो वो बात करें जो हर जगह चल जाए, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करो, डेप्रिसिएशन को रिवर्स कर दो। अब यू सोचो, प्रॉफिट तक आते आते ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हो गया होगा? माइनस। क्या हो गया होगा? माइनस। तो अब क्या कर देंगे? एड। तो पहली एडजस्टमेंट यहां पर जो हम देखेंगे वो होगी एड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने एड बैक कर दिया और ठीक है 230। ये पहला सवाल है ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस गिवन है, वरना ये निकाला करेंगे सवालों में जाके हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में से या एसेट के लेजर में से देखेंगे। सही है, आगे बढ़े जी, सवाल को खत्म करते हैं। अब सवाल के अंदर चार एडजस्टमेंट्स हैं और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं पहले डी एडजस्टमेंट आपको करा दूं। डी एडजस्टमेंट क्या है? ड्रॉइंग्स अमाउंटेड टू 568। भाई बस दो तीन चीजें ही रह गई हैं अब इस फॉर्मेट के अंदर जो अभी तक मैंने नहीं लिखी थी, ठीक है? एक है यहां पर, तीन चीजों को हम लेस करते हैं। क्या करते हैं जी? लेस करते हैं। लेस करते हैं टैक्स पेड, लेस करते हैं इंटरेस्ट पेड, लेस करते हैं डिविडेंड पेड। आप कहोगे ये तीनों बातें लिख दी आपने, तीनों ही नहीं है भाई। सवालों के अंदर जिस दिन टैक्स पेड आएगा, मैंने पहले ही आपको सफा छुड़वाया था, ठीक है ना? तुसी पता नहीं थल्ले जाके की एंड से जाके लिख देते हैं। खैर है, खैर है, एनीवेज कोई बात नहीं, इधर आ जाएगा, गुजारा कर लोगे, बस इससे आगे कुछ नहीं। ये ऐसे करना ना, ये दोनों एक लाइन में छोटे करके लिख लेना क्योंकि इनमें कोई फिगर नहीं है, आगे 0-0 डालना है, ठीक है ना? हाँ, सवालों में टैक्स पेड आया करेगा आने वाले दिनों में, तो माइनस करेंगे यहां से पेमेंट, टैक्स की जो पेमेंट की है। इंटरेस्ट की पेमेंट आया करेगी, यहां माइनस करेंगे। फिलहाल तो कोई नहीं है, ना ही कोई टैक्स पेड है हमारे सवाल में, ना ही इंटरेस्ट पेड है। हाँ, डिविडेंड नहीं है, लेकिन ड्राइंग्स को ही तो डिविडेंड का नाम दिया था, तो डिविडेंड पेड को काट के मैं लिख रहा हूं ड्राइंग्स, इसलिए कि आप बड़े हो गए आप, अब सवालों के अंदर डिविडेंड ही आएगा, लेकिन फिलहाल ड्राइंग्स से गुजारा करें। ड्राइंग्स ही को तो हमने कंपनी केस में डिविडेंड कह दिया था, सोल प्रोपराइटर में जो ड्राइंग थी उसी को तो हमने कंपनी केस में डिविडेंड कह दिया था, ठीक है? तो भाई ये डिविडेंड पेड कितना है, सवाल ने बताया जी, 568 माइनस हो गया, ठीक है जी, और सही है। लेकिन ये डिविडेंड जो पेमेंट आपने वहां दिखाई है कि जी ये कैश आउटफ्लो हो गया हमारा, असल में हम कैश इनफ्लो आउटफ्लो दिखा रहे होते हैं। जो आपने कैश आउटफ्लो अपना दिखाया है, ठीक है, ये इन लेजर में से किसी लेजर में तो नहीं आता, सोच लो। हां जी, कैपिटल का लेजर भूल तो नहीं गए, कैपिटल लेजर के अंदर आया करता था प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स, ठीक है? तो 568 यहां पे भी शो करना है, भूलना नहीं है। चलो अब ये लिख लो एडजस्टमेंट नंबर, आखिरी जो थी ये मैंने करवा दिया आपको, लास्ट एडजस्टमेंट, फौरन फौरन लिखनी है एडजस्टमेंट्स। क्या किया हमने? ड्राइंग्स को रिकॉर्ड किया ना भाई। असल में ना एक बात जो भी आपको समझ नहीं आएगी वो क्या होगी, वो कल समझाऊंगा, वैसे आज सिर्फ बता रहा हूं। अकाउंटेंट्स इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना चुका होता है, ये लेजर वेजर सब कुछ उसने बनाए होते हैं, हम रीडू कर रहे होते हैं अपने मतलब की चीजें निकालने के लिए, इससे ज्यादा नहीं सोचना आज फिलहाल, जो कह रहा हूं बस कर डालो, कल इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह इसके बाद, ठीक है ना? हो गई एंट्री,
आईसीसीए डिविडेंड पेड यहां नजर आया करेगा और कैपिटल के लेजर में भी ये डिविडेंड पेड। कल को रिटेन्ड अर्निंग्स आ जाएंगी या परसों को, तो भाई ये डिविडेंड ड्राइंग्स डिविडेंड के नाम से आ रही होंगी और रिटेन्ड अर्निंग्स कॉलम में डेबिट हो रही होंगी, हमें सब पता है, मसला कोई नहीं है, सही है। आगे बढ़ते हैं, टिक कर लेंगे, एडजस्टमेंट नंबर डी हो गई। ओ पॉइंट ए भी कर देते हैं, क्या ही पॉइंट है, कहता है जी पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन अमाउंटिंग टू 1,00,000 वॉज पेड बाय जुनेद जंजुआ फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट। मतलब कहने का यह है कि पहले वो कैश घर से लाया होगा, मैं यूं कह रहा हूं, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, और फिर लोन रीपे किया होगा, लॉन्ग टर्म लोन डेबिट और कैश क्रेडिट 100 से। तो आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं भाई, इस कैश को इस कैश के साथ कैंसिल कर दें और डायरेक्ट एंट्री कर लें, लायबिलिटी अपने जेब से पे कर दी ना ओनर ने, तो यूं समझो कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया मजीद। तो असल तो ये बात हुई है, कहना यूं चाहिए था कि कैश लाके पहले दराज में डालें, फिर दराज से निकाले और बैंक में जमा करा दे, उसने घर से निकला पैसे जमा करवा दिए, बिजनेस की लायबिलिटी पे की ना, तो एंट्री क्या बन गई, लॉन्ग टर्म लोन डेबिट कैपिटल क्रेडिट। लेकिन जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाओगे ना, तो लोन रीपेमेंट के अंदर भी ये 100 लेना है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर भी ये 100 लेना है, इसको भूलना नहीं है। फिलहाल तो ये एंट्री करा दो मुझे जी, क्या एंट्री बनी हुई, लॉन्ग टर्म लोन डेबिट कैपिटल, प्रॉफिट की जगह कोई नहीं अभी छोड़ दी मैंने, कैपिटल क्रेडिट 100 से। यहां पर क्या लिखा हमने, लॉन्ग टर्म लोन, लेकिन मैं साथ ही ना कैश भी लिख रहा हूं ऐसे आपको समझाने के लिए, और यहां पे आपने क्या लिखा, कैपिटल, लेकिन साथ ही क्या लिखा हमने, कैश यानी रीपे हुआ, ठीक है। ये दो एंट्रीज को एक बनाया है, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, ठीक है। एडजस्टमेंट बी भी ओवर होगी, सॉरी ए थी, बी पे आप आए हैं, जिसमें ए ओवर होगी, ठीक है, जिसमें डी ओवर हो गई। मुश्किल तो नहीं लग रही बातें, कोई बात नहीं, घर जाके तसल्ली से, कोई नया सवाल नहीं, इसी को दोबारा करना, सहबारा करना, अगर एक लफ्ज भी समझ नहीं आएगा कल इंशाल्लाह समझाऊंगा, ठीक है। आज तो बस अब लीगल टाइम खत्म होने के करीब है और इलीगल 5-7 मिनट रह गए हैं, इसके अंदर अब मैंने सवाल को लपेटना है, ठीक है ना, इसलिए मैंने कहा फजूल बातें करके मजीद टाइम आगे ना बढ़ाओ, ठीक है। अच्छा सुनो, अब सवाल को अब मैं जरा क्विकली कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, माजरत के साथ, ताकि सवाल एक बार आपके सामने किताबों में आ जाए, जो एंड वाली बातें हैं कल नया सवाल पहले करेंगे, और फिर अगर आपका दिल चाहेगा कि नहीं जी वो सवाल को दोबारा करें, दोबारा भी कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब ये देखें, ये वाला सवाल, ये एडजस्टमेंट बी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 100 वर्ष सोल्ड। भाई अगर कोई एसेट बिके तो डिस्पोजल अकाउंट बना करता है, बनाओ फिर, कोई नया काम थोड़ा ही, डिस्पोजल का अकाउंट बना लो, जनरल एंट्री भी कर सकते हो वैसे तो, लेकिन चलो अकाउंट बना लो। हां भाई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 100 वर्ष सोल्ड, एसेट अकाउंट में से जो एसेट बिकता है वो क्रेडिट करते हैं और डिस्पोजल अकाउंट में उसको डेबिट करते हैं, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, सही है। ये क्या कर दिया हमने, इसको डिस्पोज। अच्छा अब आपको ये पता है कि एसेट अकाउंट से एसेट की आया करती थी कॉस्ट, और एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट से इसकी आया करती थी एक्यूमुलेटेड, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है ये डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, लाल मार्क कर दे दो, इन्वेस्टमेंट जो है वो कोई डेप्रिशिएबल एसेट तो नहीं है ना, इसलिए ये नजर नहीं आएगा, ओके। अब एक चीज होती थी और डिस्पोजल में, कैश आया है, कैश का आना डेबिट डिस्पोजल अकाउंट में कर देते थे हम उसको क्रेडिट, लेकिन पता कोई नहीं है। चलो जो डेटा गिवन था उससे ले रहे, ओपन तो किया हमने, ठीक है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ऑन इक्विपमेंट अमाउंटेड टू 60,
कहता है जी इक्विपमेंट की जो डेप्रिसिएशन है ना फॉर द ईयर वो कितनी है 60। पता नहीं क्यों बता रहा है, अल्लाह मालिक है, लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सवाल में उसने गिवन कर दी कितनी 60। और सही है, ही कह रहा है ना, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ऑन इक्विपमेंट अमाउंटेड टू 60। ठीक है, नेक्स्ट, ओ इक्विपमेंट हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 75 वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। एक और डिस्पोजल हो गया तो एक और अकाउंट बना लो। अब डिस्पोजल का अकाउंट किसका है जी, इक्विपमेंट का। पर मसला क्या है, हमें चाहिए इक्विपमेंट अकाउंट से इसकी कॉस्ट और फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्या ख्याल है। लेकिन ये पता लग गया हमें कि इक्विपमेंट का डिस्पोजल तो है लेकिन कितनी कॉस्ट है, क्योंकि ये अकाउंट कॉस्ट में बन रहा है ना, वो नहीं पता। यहां पे डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेशन निकल कर जाती थी, ये नहीं पता। है सही, है सही और ठीक है। ये सारे काम अभी क्वेश्चन मार्क से ही चल रहे हैं। कितने का बिका ये पता लग रहा है, वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। ओहो, बुक वैल्यू का सिर्फ पता लग रहा है, बुक वैल्यू का, हो सकता है इससे कुछ निकल आए। फिलहाल तो बुक वैल्यू को पता लग रहा है, यहां तक को मसला चैटा लिखा है सिर्फ। ठीक है, अब कैश फ्लो में बैलेंसिंग शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ, सवाल को पढ़ते हुए गौर किया था कि यहां पर हमारे पास गेन ऑन सेल ऑफ लैंड भी आ रहा था। क्या मतलब, लैंड बिका था, ये तो पता ही नहीं है हमें। गेन ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आ रहा था, ये हमें पता था। लॉस ऑन सेल ऑफ, ओ, यानी कि भाईजान एक बात बताऊं आपको, मेरे दोस्तों, लैंड भी बिका है। डिस्पोजल अकाउंट लैंड का, इसमें अब लैंड के अकाउंट से हमें कॉस्ट भी चाहिए होगी, लेकिन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सवाल ही पैदा, क्योंकि ये क्या है, ये तो लैंड है। ठीक है, जैसे यहां पे नहीं था, यहां पे भी नहीं। ठीक है, सही है। लेकिन ये तीन चीजों का अब हमें पता लग गया, तीन चीजों का पता लग गया हमें। ठीक है, पहली चीज क्या है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। मुझे बताओ डिस्पोजल के अकाउंट में अगर होता था वो किस तरफ आता होता था, यू सोच लो ना, डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होता है, और डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होता है। ठीक है, तो अगर क्रेडिट साइड पे पड़ा होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा होगा उससे, तो ये लॉस होगा, और अगर डेबिट साइड पे पड़ा होगा फिगर तो वो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो रहा है, तो हम फिर गेन को इस तरफ देखेंगे। सवाल ने हमें गेन बता दिया कितना, गेन है 64। ठीक हो गया जी, 64 जो डाटा मिल रहा है सवाल से वो लिखते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, गेन ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, गेन सवाल में गिवन था कितना, क्वेश्चन में क्वेश्चन लिख दिया मैंने कितना 32। ठीक हो गया और सही है। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट की सेल पे हमें क्या आ गया जी, लॉस आ गया, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ये चीजें आज जी। 50. पता है क्या मसला है, कहानी उलट क्यों चल पड़ी है, हमें पहले सवालों के अंदर आपने देखा होगा कैश की फिगर्स दी होती थी, हम इनकम्स एक्सपेंसेस निकालते थे क्योंकि हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते थे। आज उसने इनकम स्टेटमेंट बना दी है, कैश फ्लो बनवा रहा है हमसे, तो उसने इनकम्स एक्सपेंसेस हमें दे दी है और कैश की फिगर हमें ढूंढनी है। देख लो कहीं पे भी कैश नहीं गिवन, ना यहां कैश गिवन है, ना यहां कैश गिवन है, ना यहां पे कैश गिवन है। ठीक है, सही है ना। चलो सवाल बहरहाल खत्म हो गया, कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं। अब ये चीजें यहां नहीं ला रहा मैं, ओके, ये नहीं करेंगे, कल करेंगे इंशाल्लाह, कल क्विकली इस सवाल को यहां, लेकिन क्विकली करना है, और मैं आने से कोशिश करूंगा पहले 10 मिनट आके नोट कर लूं सिर्फ लेजर्स वगैरह, ये काम सारा क्विकली हो जाना है, ओपनिंग क्लोजिंग 10 से 15 मिनट में इतना सवाल हो जाना है हमारा। ठीक है, फिर एडजस्टमेंट्स में पढ़ूंगा 10 मिनट लगा के,
उसके बाद यानी कि हम दो दिन में पहला सवाल कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ मुझे बैलेंसिंग करवा दें, कल ये दोबारा भी होगा, लेकिन आपने इतना काम घर पे जरूर करके आना है, ठीक है? ये समझ आए ना आए, फिलहाल कर दो, आ जाओ जरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में चेक करो बैलेंस हो रहा है, लेजर बैलेंस हो रहा है, चेक करो बैलेंस नहीं हो रहा, किस तरफ बैलेंस आ रहा है, कितना आ रहा है, ये 150 फिर हो ना हो ये एडिशन है, कैश कैश। जब सब कुछ सवाल ने बता दिया, ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है, डिस्पोजल ये है, और बैलेंस नहीं हो रहा, और बैलेंस फिगर डेबिट साइड पे आ रही है, तो इसका मतलब हमने मजीद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खरीदी थी, और ठीक है ना। तो ये अभी इधर नहीं लिखना आपने, बहरहाल ये कल को मैं लिखूंगा यहां पे, यहां पे क्या लिखेंगे, एडिशन इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और यहां पे 150 लिख के माइनस करूंगा, क्या मतलब कैश आउटफ्लो हो रहा है, इसलिए मैंने रोक दिया, मैं तेजी में नहीं करके इसको खत्म करना चाह रहा, मैं कह रहा हूं कि ये समझ लो, ज़हनी तौर पे तैयार हो जाओ, कल ये करेंगे 150 में हम क्या कहेंगे, कैश आउटफ्लो हो गया, क्यों, नई इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे तो पैसे जाएंगे ही ना, समझ रहे हो, आगे बढ़े, ये हो गया लेजर बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर कैश निकल रही है, आज कहानी उलट हुई पड़ी है, क्योंकि कैश ही जो बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लैंड हो रहा है बैलेंस 690, डेप्रिसिएशन होगी, अक्कल करो, लैंड की डेप्रिसिएशन को होती है, ठीक है, इसका मतलब फिर सवाल कह भी रहा था लैंड डिस्पोज हुआ है, तो फिर ये डिस्पोजल अकाउंट में जाने वाली कॉस्ट होगी डिस्पोजल की। अब फटाफट इसको इधर लेकर आए, ये मिल गया 690 मिल गया, कहां से जी, वर्किंग 3 से, बात समझ रहे हो, मत करो बैलेंस, सिर्फ देख लो, कल दोबारा तो करना ही है, लेकिन घर पे भी ट्राई कर सकते हो जी। अब जब ये दो चीजें पूरी हो गई, तो यहां बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है बताओ, 750। अब खुद सोचो ना, 690 वाली चीज का 754 मिला तो 64 का गेन आया ना। अब हम क्या करेंगे, इस 754 को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लाएंगे और यहां पे लिखेंगे सेल प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ लैंड, समझ आ रही है, इनफ्लो पॉजिटिव होगा, पूरा वाला नेगेटिव था, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया काम खत्म, काम तो उधर गया, काम तमाम हो गया, और इसका भी काम तमाम हो गया, ये लेजर बैलेंस हो गए, आगे बढ़े। हाँ भाई, लॉन्ग टर्म लोन के बारे में बताओ, बैलेंस हो रहा है इस तरफ, डेबिट साइड पे, अब सवाल खामोश है, पेमेंट रीपेमेंट उसने बता दी थी, तो हो ना हो ये मजीद कैश हमने लिया है, इस तरफ आ रहा है, तो फिर कैश पे किया है, आप समझ गए, तो अच्छा ही होगा, चलो इस तरफ लिखवाया आपने, ठीक है ना, क्या मैंने लिख दिया गलती से, क्या हुआ, क्या 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 कहा मैंने, अगर इधर आ जाता कैश तो कहते मजीद लोन आ गया है, बैलेंस फिर इस तरफ आ रही है, तो मतलब लोन रीपे हुआ है, ठीक है जी, तो कैश। अब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर यहां पे 175 हम माइनस शो करेंगे, कैश आउटफ्लो हुआ है लोन देने के लिए, कल करेंगे। आगे बढ़ो, बिल्डिंग का अकाउंट बैलेंस नहीं हो रहा 500। अब भाई डिस्पोजल का ये एक्युमुलेशन का अकाउंट अलग पड़ा है, तो यहां इधर आ रहा है, तो फिर तो एडिशन है, सुकून मारो, ये क्या है जी, एडिशन यानी कैश इनफ्लो, यहां पे लिखेंगे एडिशन इन बिल्डिंग और 500 आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो होगा, कैश फ्लो के अंदर लिख रहे होंगे, कल जहन बना रहा हूं, अभी काबू किया सर सवाल को आज, ठीक है। नेक्स्ट, एक्यूमुलेटेड एडिशन का अकाउंट इधर बैलेंस शो कर रहा है 170। फिर भाई सवाल खामोश है, तो डेडक्शन एक्सपेंस ही होगा ना, ये आज दिया हुआ था, अगले सवालों में हम कैलकुलेट किया करेंगे। अब चेक कर लो, 170 हमने कैलकुलेट किया, 60 उसने दिया होगा, दोनों को ऐड करो, 230 ही बनता जो सवाल में गिवन था, ऐसे जस्ट बताया, जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो भाई इस तरह से हमने बैलेंस करना है इनको, जैसे यहां पे बैलेंस करोगे इसको तो कितना आ रहा है 50 डेबिट साइड पे, लेकिन मसला क्या है, डिस्पोजल हुआ है, पहले इसको चेक कर लो, पहले डिस्पोजल की कॉस्ट निकालो, पता नहीं थी हमें, ठीक है ना, हमें पता नहीं है डिस्पोजल की कॉस्ट, यहां पे आते हैं, ओ इसमें एक ही चीज बैलेंसिंग है, ओपनिंग भी आ गया, तभी तो शायद इस साल की डेप्शन दी थी इसने, क्लोजिंग भी आ गया, बैलेंसिंग फिर इस तरफ कितनी आ रही है, मतलब जाने वाले एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी 30। ये देखो कहां से मिली हमें वर्किंग 7 से, अगर इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30 थी और इसकी बुक वैल्यू 74
5 थी तो फिर इसकी कॉस्ट कितनी रही होगी? बोलो, 75 अगर बुक वैल्यू हो, 30 एक्यूमुलेशन हो, तो 105 का ये एसेट था जो 30 रुपए डिडक्शन होके 75 रुपए पड़ा हुआ था। तो हमें ये पता लगा कहां से? वर्किंग 11 से लिखना है, जैसे मर्जी कर दो। इक्विपमेंट कितना आ गया जी? 105। अब चेक करो बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है। हाँ जी, ये एडिशन इन इक्विपमेंट भी होगा, यहां पे लिखेंगे कल, और यहां पे माइनस शो करेंगे जी, कैश आउटफ्लो हो गया। ठीक है, लेकिन ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि लेजर आप बैलेंस करके आए। कैपिटल का लेजर बैलेंस करें जरा, इसी तरह बैलेंसिंग फिगर आएगी और प्रॉफिट ही हो सकता है। सवाल खामोश है ना, तो गड़बड़ कोई भी नहीं है, प्रॉफिट ही होगा। चेक कर लो, बैलेंसिंग फिगर इसी तरफ आएगी, यही हल्की साइड लग रही है। और है भी कितना देख लो, 950 था प्रॉफिट, तो सही निकला हुआ है। अगर पर्चे में गिवन ना होता तो ऐसे निकल आता ये भी, लेकिन ये आसान सवाल है। ओके, सही है, आगे बढ़ो। ये डिस्पोजल का अकाउंट भी खत्म है, क्यों? सब कुछ तो आ गया है, बैलेंसिंग कैश निकालो भाई। 132 इधर देखो, 100 वाली चीज का 132 मिला तो 32 का गेन आया ना, तो ये 132 इनफ्लो। आगे इधर से भी अब कैश निकल सकता है, बैलेंस सुनो कल करेंगे ना। अब इधर से ये भी कैश इनफ्लो, ये ऑलरेडी हो गया। ठीक है, तो यहां से कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज निकलेंगे, और यहां पे कल जो 2-3 चीजें और आएंगी ना, वो होंगी इनकम्स और एक्सपेंसेस का रिवर्सल। आपको गेन आया एक पे, गेन आया दूसरे पे, लॉस आया तीसरे पे, ये सब की सब नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। किसी एसेट पे बिकने पे गेन आया, किसी एसेट के बिकने पे लॉस आया, दिस इज नॉट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, दिस इज गेन और लॉस। कैश इनफ्लो आउटफ्लो हम अलग निकाल आए हैं, तो इनको भी यहां पे रिवर्स करेंगे। तो बहरहाल आज के सवाल के अंदर हमने तकरीबन 90% काम कर लिया था, सिर्फ बैलेंसिंग थी। लेकिन ये बैलेंसिंग ने बच्चे को परेशान कर देती है, इसलिए मैंने कंक्लूड जान के नहीं किया। इतनी देर में मैं फिगर्स भी लिख सकता था, लेकिन मैं वैसे ही टिक टिक लगा के ये करेंगे करके आपको रोक दिया सवाल को। ठीक है ना, अब ये मेन सवाल आपने ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, और घर पे दोबारा इतना काम कर लेना, लेकिन लेजर्स कोशिश करके सारे बैलेंस कर लेने। ठीक है, कल मैं आऊंगा, इतना सवाल दोबारा करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, पहले 20 से 25 मिनट में इतना सवाल हो जाएगा, उसमें देर नहीं लगनी। उसके बाद आखिरी 10-15 मिनट सुकून से डिस्कस कर करके एक एक चीज को बैलेंस करके यहां लाएंगे, चाहे कल के दिन में सिर्फ ये एक ही लेक्चर, एक ही सवाल दोबारा से हो सके। ठीक है जी, तो होमवर्क मैंने बता दिया। अल्लाह हाफिज़।